Hello students, so here are the most awaited videos. मैंने आपका सारे मैसेज पढ़ा, ठीक है. थोड़ा सा actually I was not feeling well, that's why थोड़ा लेट हो गया. Anyways, now today we will be discussing CBSE 12th most important topic and question discussion, bio paper, biology paper. और एक चीज आपको और याद रखनी है, same theories आपके, same concepts आपके नीट प्रिपरेशन में भी काम आएगा, ठीक है. ऐसा नहीं है कि इट विल बी ओनली फॉर सीबीएसई, बिकॉज आपको पता होगा कि बायो सब्जेक्ट ऐसा है कि जिसमें जो सीबीएसई का पेपर सिलेबस है, अप्रोक्स सेम सिलेबस इट इज देयर इन नीट एग्जामिनेशन बायो पेपर, ठीक है. तो आपको बहुत अच्छे से, अभी तक आपने देखा होगा काफी अच्छा रिस्पॉन्स, जस्ट वन मंथ आई हैव स्टार्टेड दिस चैनल कॉन्सेप्चुअल फिजिक्स इंडिया, और वी हैव 2000 प्लस सब्सक्राइबर, दैट विदाउट एनी एड, ठीक है. और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी हैं, तो ऑब्वियसली यू मस्ट ट्रस्ट दिस वीडियो एंड गो अहेड विथ योर प्रिपरेशन. ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन. और थोड़ा सा आज मेरा वॉइस क्लियरिटी कम है, बिकॉज राइट नाउ आई एम नॉट फीलिंग वेल. स्टिल आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है. एंड मैं फिर बोल दे रहा हूँ कि दिस विल बी ऑल्सो गुड फॉर नीट एज वेल. सीबीएसई के लिए तो है ही है, सीबीएसई 12th एग्जाम जो आपका है, ये नीट के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है. तो लेट्स स्टार्ट. तो हियर इज चैप्टर 1, दैट इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म. इसमें आपको जो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज जो आपको, आई मीन जो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थियरीज है आपके और टॉपिक्स है, वो कवर हो रहा है. तो पहला, यू मस्ट नो व्हाट इज लाइफ स्पैन, ठीक है, पीरियड फ्रॉम बर्थ टिल नेचुरल डेथ. तो मैं इसे एक्सप्लेन नहीं कर रहा ज्यादा, मैं ऑलरेडी बोल दिया, थोड़ा सा वॉइस क्लियर नहीं होगा, फिर भी आई एम ट्राइंग. तो आप, यू कैन टेक अ कॉपी पेन एंड यू कैन स्टार्ट राइटिंग, या अगर आप स्नैपशॉट ले सकते हो तो दैट इज ऑल्सो वेल एनफ. बट ये जो वीडियो है, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आई विल कवर होल वीडियो इन 30 मिनट्स और 35 मिनट्स मैक्सिमम, एंड इट कैन गो फॉर 40 मिनट्स टू, बट स्टिल आपके पूरे चैप्टर्स इसमें इंक्लूड हो जाएंगे, ये बात याद रखना. और यहीं पे आपके सारी चीजें कवर हो जाएंगी. इट विल कवर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एंड क्वेश्चन डिस्कशन. याद रखना, क्वेश्चंस भी हैं, टॉपिक्स भी हैं, एंड इट इज गुड फॉर बोथ सीबीएसई एज वेल एज नीट. तो लेट्स स्टार्ट. तो लाइफ स्पैन आपको पता होगा, इट इज पीरियड फ्रॉम बर्थ टिल नेचुरल डेथ. नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन, प्रोड्यूसिंग यंग वन ऑफ देयर काइंड जनरेशन आफ्टर जनरेशन. दीज आर ऑफ टू टाइप्स, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देन वी हैव रिप्रोडक्टिव फेसेस. तो आप प्लीज इसे नोट डाउन करते रहो, और विद इन हाफ एन आवर 100% आपका फुल सिलेबस रिवाइज हो जाएगा. नेक्स्ट आपके पास देखिए, यहाँ पर रिप्रोडक्टिव फेज में रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, सनसेट फेजेस, फेज बिटवीन रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी एंड डेथ. नेक्स्ट, स्पेशल फ्लॉरिंग, इसमें आपका बम्बू वंस इन लाइफ. नेक्स्ट की अगर हम बात करें, द मेन इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल साइकिल, इसमें आप देखो प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ठीक है. इसमें कुछ टर्म्स हैं आपको बहुत जरूरी जो आपको जानने होंगे, ठीक है, दैट इज डायोसियस, मोनोसियस एंड हर्मोप्रोडाइट, ठीक है. इसमें आप देखो, डायोसियस ओनली वन टाइप ऑफ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन प्लांट. एग्जाम्पल, अच्छा एग्जाम्पल भी आपको लिखना होता है, दैट विल गिव यू मोर मार्क्स एज कम्पेयर टू, आप सिर्फ जैसे वन लिख दो और आपने एग्जाम्पल नहीं लिखा तो उसमें आपके मार्क्स कट जाते हैं, ठीक है. तो सारे एग्जांपल यहाँ पर आप देखो, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एट डिफरेंट पोजीशन इन सेम प्लांट्स, ठीक है, जैसे मेज हो गया. इस एग्जांपल में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एट डिफरेंट पोजीशन इन सेम एनिमल्स, जैसे अर्थवर्म हो गया. नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है सेल डिविजन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन. इसमें आप देखो N2N, ठीक है, आपके पास, आप यहाँ पर चाहो तो नोट डाउन कर लो, चाहो तो आप रीड आउट भी कर दो, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ अभी. अगेन आफ्टर, एक बार ये एग्जाम हो जाए, जब मैं नीट के लिए इस वीडियो को बनाऊंगा, तो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन, और विष्णु सर विल बी देयर टू फर्दर एक्सप्लेन इट मोर.
बिकॉज ही इज स्पेशलाइज्ड इन बायो एज वेल. तो प्लीज एंड प्लीज यहाँ पर आप देख लो. इसमें आप देखो अगेन जो नेक्स्ट वेरी मच इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है वो है टू टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन. इसमें एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में आप देखो फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी. इंटरनल फर्टिलाइजेशन में अच्छा ये टेबल भी इम्पॉर्टेंट है. एग्जाम्पल जितनी एग्जाम्पल है यू मस्ट रीड इट 100%. बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं ये. आपने देखा होगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मैंने फिजिक्स वीडियो डाला ऑलमोस्ट इट हैव कवर्ड मोर देन 45 मार्क्स. आप चेक करो बच्चों के कमेंट्स भी हैं उसमें. मैथ्स में जो वीडियो था उसमें उतना नहीं मैच किया, लेकिन अगेन केमिस्ट्री जो पेपर हुआ आप अगेन यू कैन चेक दी वीडियोस. तो आई होप फॉर द बायो पेपर एज वेल मोस्ट ऑफ द टॉपिक विल बी covered in this. I mean most of the questions which is coming in board will be from this notes. ठीक है. तो external fertilization, internal fertilization के बाद आपके पास post fertilization events जिसमें formation of zygote and embryo. ठीक है. इसमें आप देखो ये different phases हैं जिसमें आपका developments होते हैं. ठीक है. इसे आप जरूर देखो. seedless fruits जो formed होते हैं, partenocarpy. नेक्स्ट क्लोन. क्लोन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. व्हाट इज क्लोन? इसका डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए कि अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज दैट आर मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर टू ईच अदर एंड देयर पेरेंट. नाउ ये था चैप्टर वन के पार्ट्स थे हमारे पास जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे और विद डेफिनेशन है यहाँ पे. यानी आपको सोल्यूशन के लिए सर्च नहीं करना, आपका सोल्यूशन यहीं पे है. अच्छा जितने ये आपके पास फ्लो चार्ट्स हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. थोड़ा सा टाइम लीजिए इसे हर एक पॉइंट को देखने में और ट्राई टू मेक इट. आप जब भी ये वीडियो देखो आप कॉपी पेन लेके बैठो और विद इन 30-35 मिनट यू विल बी एबल टू कंप्लीट फुल सिलेबस ऑफ बायो. ठीक है. वैसे तो बहुत सारे वीडियोज आपको मिलेंगे बट हियर वी आर ओनली प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन, दैट्स ऑल. ठीक है. हमारा बहुत ज़्यादा इसमें एडवर्टाइजमेंट का वो नहीं है. बहुत ज़्यादा ये नहीं है कि वी हैव टू अर्न इससे बहुत ज़्यादा. यहाँ पे मेनली हम फोकस करते हैं क्वालिटी पर. मेरा आप कोई भी वीडियोज आप चेक करो बिकॉज आई एम अ टीचर. ठीक है. तो मेरा जो फर्स्ट प्रेफरेंस यही होता है कि जितने मेरे स्टूडेंट हैं दे मस्ट बी गेटिंग क्वालिटी एजुकेशन बिकॉज आपके एग्जाम्स हैं और हम उसमें रिस्क नहीं ले सकते. ठीक है. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लॉरिंग प्लांट का अगर आप फ्लो चार्ट देखो, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओवलस, ये सारे आपके पास पिस्टल्स से और फ्लावर ये मेन है. यहाँ से आप देखो सारे फ्लो चार्ट. आप चाहो तो मैं यहाँ पे पॉज करता हूँ, आप इसको बना लो. ठीक है. रुक के आप बना लो फ्लावर्स, देन ये वाले साइकिल सारे स्टार्ट हो जाएंगे. नेक्स्ट आपके पास ये वाले साइकिल, प्लांट वाले साइकिल जिसमें सीड, एंडोस्पर्म, पैन, टू पोलर न्यूक्लियाई प्लस मेल गैमेट, ट्रिपल फ्यूजन, डबल फर्टिलाइजेशन, सिंगेमी, एग प्लस वन मेल. तो आप प्लीज इसे नोट कर लो. मैं यहाँ पे पॉज करता हूँ, आप इसे ड्रॉ कर लो. ठीक है. और इम्पोर्टेंट भी है ये, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इनफैक्ट, क्योंकि ये आपका ही पूरे चैप्टर में जो आपका जैसे आपका देखो चैप्टर का नाम ही है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का ये फ्लो चार्ट है. तो इट विल कवर ऑलमोस्ट ऑल दी पोर्शन. तो प्लीज आप अपना टाइम, टेक योर ओन टाइम एंड टेक अ कॉपी पेन. आई थिंक आई एम ऑडिबल थोड़ा सा. आई एम सफरिंग फ्रॉम सीवियर कफ एंड कोल्ड, दैट्स वाई उतना वॉइस मेरी हो सकता है क्लियर नहीं हो. फिर भी You must take your copy pen and note it down. ठीक है. तो I hope you have written. अगर आप नहीं रख पाए तो आप, क्योंकि मुझे वीडियो भी शॉर्ट करना है, तो आप पॉज करो यहाँ पर और इसे जरूर बना लो. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं. हमारे पास फ्लावर्स. फ्लावर्स में हमारे पास देखिए मॉडिफाइड शूट, साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर बॉर्न ऑन फ्लावर्स. नेक्स्ट हमारे पास माइक्रोफोजेनियस में प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम पॉलन मदर सेल, दैट इज टू एन थ्रो मायोसिस. ठीक है. आप ये जो ब्लॉग में है जितनी चीजें इसे आपको 100% पढ़ना है. एंड रियली आई वॉन्ट टू थैंक्स टू KV स्टाफ्स फॉर सपोर्टिंग
एंड प्रोवाइडिंग सच अ क्वालिटी नोट्स। नेक्स्ट आप देखो यहाँ पर एपिडर्मिक्स, इंडोसियन, टैप्टम, मिडिल लेयर, माइक्रो, तो जितने आपको फिगर हैं ये भी आप बहुत क्लियरली पॉज करके बहुत आराम से आप इसे मेंटेन करो और नोट इट डाउन, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास पॉलन ग्रेन्स, पॉलन ग्रेन्स में मेल गैमेटोफाइट में टू लेयर्ड है, एक हमारे पास एक्साइन, दूसरा इंटाइन, ये रहा हमारे पास इसके स्ट्रक्चर्स भी दिए हुए, ठीक है। कार्पेल, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके पास, तो प्लीज ये जो फिगर्स हैं ये भी आप देखो और लेबल्ड फिगर होने चाहिए, याद रखना बायो सब्जेक्ट में यू मस्ट हैव अ लेबल्ड फिगर, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम टॉपिक पे, आई होप आपने ये बना लिया होगा, अगर थोड़ा सा मैं जल्दी कर रहा हूँ, आप कुछ नहीं, आप पॉज करके इसे नोट करो, पूरे कंप्लीट वीडियो आप देखो विद इन 30 to 35 मिनट, मैं फिर बार बार रिपीट कर रहा हूँ, यू विल कवर ऑल द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एज वेल एज क्वेश्चन। आप देखो एट लास्ट मैंने क्वेश्चन भी इंक्लूड किए, आई मीन क्वेश्चन भी डिस्कस हुए हैं इसमें, तो प्लीज उसे देखिए। नेक्स्ट अगर, अच्छा इसको ऑल्सो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, देखिए हमारा मेन मोटिव है आपको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना, तो प्लीज शेयर विथ ऑल योर फ्रेंड, जितने आपके बायो के स्टूडेंट्स हैं इस समय या कोई भी नीट की तैयारी कर रहा है, ये बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए, ठीक है। इसका जो एक्सप्लेनेशन पार्ट है, क्योंकि अभी ये मेनली मैं एग्जाम को फोकस करके बनाया हूँ, जो करंट ईयर के बच्चे हैं दैट इज 2017 के, और इसका जो एक्सप्लेनेशन पार्ट है वो मैं ऑन द बोर्ड अगले वीडियो में लेकर आऊंगा बाय द डिफरेंट एक्सपर्ट्स। तो आप यहाँ पर देखो पॉलिनेशन, विंड पॉलिनेशन, वाटर पॉलिनेशन, पॉलिनेशन आपको पता होगा कि हाउ हमारे जितने ये प्लांट्स हैं ये कैसे ब्रीड आउट करते हैं, तो इसमें आप देखो विंड से पॉलिनेशन, वाटर पॉलिनेशन, इंसेक्ट पॉलिनेशन, ठीक है। पॉलन ग्रेन लाइट, नॉन स्टिकी, कलरलेस, वेल एक्सपोज्ड स्टैमिन, फेदरी स्टिग्मा एंड न्यूमरस फ्लावर। वाटर पॉलिनेशन में पॉलन ग्रेन प्रोटेक्टेड बाई म्यूसिजेंस कवरिंग लॉन्ग स्टॉक एंड लॉन्ग क्वाइट स्टाइल। इंसेक्ट पॉलिनेशन में कलरफुल, अच्छा कलरफुल ये इसलिए होते हैं कि इंसेक्ट ईजिली अट्रैक्ट हो, एनी वेज मैं यहाँ एक्सप्लेनेशन पार्ट नहीं कर रहा, आई एम ट्राइंग टू कवर इट विद इन 35 to 40 minutes, क्योंकि बच्चे आई होप जो इस साल एग्जाम दे रहे हैं और नीट की तैयारी कर रहे हैं, दे आर वेल एंड गुड विथ द कॉन्सेप्ट्स। अगर नहीं भी है तो कोई नहीं, विद इन 10 डे आई विल बी पुटिंग एक्सप्लेनेटरी वीडियो एज वेल। और एक चीज आपको ये याद रखना है, अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो, आप देखो लास्ट ईयर जो नीट के पेपर्स थे फिजिक्स वाले पोर्शन का अपडेट है उसमें, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो और इसमें आप प्लीज सारे वीडियोस को देखो। ये मत सोचो इट्स ओनली इम्पॉर्टेंट फॉर बोर्ड, नो बट इट इज ऑल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर नीट एज वेल, ठीक है। पॉलिनेशन में आप देखो व्हाट इज पॉलिनेशन, ट्रांसफर पॉलिन फ्रॉम एनदर टू स्टिग्मा, एजेंट ऑफ पॉलिनेशन में एयर, वाटर, इंसेक्ट, बैट, बर्ड, मैन, ये आपके पास फ्लो चार्ट है। ट्रांसफर ऑफ पॉलिन स्टिग्मा हमारे पास देखिए सेल्फ पॉलिनेशन, उसके बाद क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन से मेरे पास जेनोगेमी, डिफरेंट फ्लावर्स ऑन डिफरेंट प्लांट्स ऑफ सेम स्पीसीज, सेल्फ में ऑटोगेमी और जेनोगेमी जिसमें डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ सेम प्लांट्स और ऑटोगेमी में सेम फ्लावर्स। नेक्स्ट हमारे पास देखिए मेगास पोर्जेनेसिस, यहाँ पर आप ध्यान दो ये जो वीडियोज है आई मीन ये जो है दैट इज म्यूसिस वन स्टेज, म्यूसिस टू स्टेज, मिटोसिस, नेक्स्ट हमारे पास ये फॉर्मेशन, तो इसको आप प्लीज एंड प्लीज पॉज करके नोट डाउन कर लो, ठीक है। और इसमें आप देखो द फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल दैट इज MMC2N इज कॉल्ड मेगापोर्जेनेसिस। इन मेगास्पोर टेट्राड 3 डीजेनरेट एंड 1 फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप्स इनटू फीमेल, ठीक है, गैमेटोफाइट दैट इज एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक दैट इज पोलोजेनम टाइप में 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल्स, ठीक है। तो आप इसे प्लीज नोट कर लो व्हाट आर द डिफरेंट फ्लोज जो इस साइकिल में होता है, ठीक है, इस प्रोसेस में कवर होता है। नेक्स्ट हमारे पास है आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, इसमें इट इज टू प्रमोट क्रॉस पॉलिनेशन बिकॉज सेल्फ पॉलिनेशन रिजल्टिंग इन ब्रीडिंग डिप्रेशन।
Difference size of style and stamens, anatomical barrier, difference in type of maceration of stamen and carpel. Pollen do not germinate on stigma of self flower. अगला हमारे पास पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन है, इसमें आप देखो. नेक्स्ट आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें आपके पास टोटल जो प्रोसेस है टू है, दैट इज इमेस्कुलेशन और बैगिंग. ठीक है, तो यहां पर आप एक बार नोट कर लो. नेक्स्ट आप देखो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में, इसमें मेजर जो अप्रोच होता है क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, इट इज अचीव बाई टू प्रोसेस. स्कॉलेशन, इसमें रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम फ्लावर बर्ड ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर बिफोर अनदर डिसेस यूजिंग अ पेयर ऑफ फोर्सेप्स. अगला बैगिंग, बैगिंग में आपके पास कवरिंग द इमेस्कुलेटेड फ्लावर विद बैग ऑफ सुटेबल साइज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कंटिन्यूएशन विद अनवांटेड पॉलन. नेक्स्ट है डबल फर्टिलाइजेशन. डबल फर्टिलाइजेशन में आपके पास फर्स्ट फर्टिलाइजेशन में फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद एग इनटू सैंगेमी एंड डेवलप एम्ब्रियो टू एन. सेकेंड फर्टिलाइजेशन में फ्यूजन ऑफ पोलर न्यूक्लियाई विद सेकेंड मेल गैमेट इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन एंड डेवलप पी एन, दैट इज थ्री एन. सिंस ये जो टू टाइप्स ऑफ फ्यूजन है, दैट इज सिग्मे एंड ट्रिपल फ्यूजन टेक्स प्लेस इन एन एम्ब्रियो सैक, द फिनोमिनन इसको देखो आप टू टाइप्स है, इसीलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं. एनीवेज नेक्स्ट हम देखेंगे हाउ एम्ब्रियो डेवलपमेंट्स प्रोसेस टेक्स प्लेस. तो सबसे पहले आपके पास देखो जायगोट है जो डिवाइड होता है मिटोसिस इनटू सस्पेंसर एंड एम्ब्रियो सेल्स. सेकेंड स्टेप में सस्पेंसर सेल फॉर्म्स अ ग्लोबुलर बास्कल सेल विच रिमेन एम्बेडेड इन द एंडोस्पर्म एंडोस्पर्म एंड अ मल्टी सेलुलर सस्पेंसर बियरिंग द एम्ब्रियो. थर्ड में ग्लोबुलर एम्ब्रियो बिकम हार्ट शेप एंड देन मैच्योर एम्ब्रियो विथ रेडिकल प्लूमल एंड कॉटिलेडन. तो नीट के लिए भी बहुत जरूरी पार्ट है, मैं अगेन एंड अगेन कह रहा हूँ, सीबीएसई 2017 बोर्ड के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में नीट के लिए भी इम्पोर्टेंट है. ठीक है, और ये थियरीज बदलती नहीं है, थियरी विल बी सेम. थर्ड इसमें हमारे पास ग्लोबुलर एम्ब्रियो, थर्ड जो डेवलपमेंट होता है वो है ग्लोबुलर एम्ब्रियो बिकम हार्ट शेप एंड देन मैच्योर एम्ब्रियो विथ रेडिकल प्लूम्यूल एंड कॉटिलेडॉन्स. तो आप देखो यहाँ पर स्ट्रक्चर्स है डिकोड इम्ब्रूवमेंट में और मोनोकॉट एम्ब्रियो ग्रास का. ठीक है, ये सारे लेवल्ड होने चाहिए. नेक्स्ट, तो इस पूरे इस वीडियो को कंप्लीट आप देखो, कंप्लीट देखने से आपको ये फायदा होगा. देखो ज्यादा जल्दबाजी की भी जरूरत नहीं है, अगर आपको ये लग रहा है कि हाँ देर आर लॉट ऑफ वीडियो जहाँ पर टाइम वेस्ट हुआ है, मैंने देखा है होते हुए बच्चों का, लेकिन यहाँ पर ये जो हमारे चैनल के वीडियो स्पेसिफिक वीडियोस हैं, आप देखो कंटेंट है सारी चीजें, ऐसा नहीं तीन चार लाइन लिख दिए और उसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं. तो आपका ये जो हाफ एन आवर होगा, ये जो 35 मिनट होगा, ये आपका फाइनल प्रिपरेशन के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, यू कैन ट्रस्ट मी. ठीक है, अगला डिफ्रेंशिएट बिटवीन आपके पास को देखिए डिफरेंस, यही क्वेश्चन के टर्म में अगर लिखे तो लिखेगा डिफरेंशिएट बिटवीन दिस एंड दिस. तो प्लीज इसे आप देखो, इसमें आपको ब्लॉक से आप देखो टू पॉइंट्स है. पहले प्रोसेस में कवरिंग ऑफ प्लूमिल्स इन मोनोकॉट्स एंड कॉल्पिटाइल्स ब्रेक गेन कवरिंग एंड इलांगेट. नेक्स्ट हमारे पास कवरिंग ऑफ रेडिकल इन मोनोकॉट्स एंड सेकेंड इट ब्रेक्स गेन कवरिंग बट स्टॉप फर्दर ग्रोथ. पेरिस्पर्म एंड पेरिकार्प के बीच का हमारे पास डिफरेंशिएशन आ सकता है. देखो ये सारे क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन. नेक्स्ट ट्रू, व्हाट इज ट्रू फ्रूट्स, व्हाट इज फॉल्स फ्रूट. ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंशिएट बिटवीन एल्बुमिनस सीड एंड नॉन एल्बुमिनस सीड. ठीक है, तो आप प्लीज इसे नोट डाउन करो, एक कॉपी पेन ले लो, और ये वो टॉपिक्स हैं, ये वो डेफिनेशन है. एनीवेज आफ्टर वॉचिंग प्लीज कमेंट भी करना, ठीक है, कि क्या हमें और क्वालिटी में कोई इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, बिकॉज आवर मेन मोटिव इज, ये ऐसा वीडियो नहीं है कोई इंटरटेनिंग वीडियो डाल दिया 2 मिनट का और उसको हमारे व्यू रेट्स बढ़े और हम भी इंजॉय करें, ऐसा नहीं है. इट इज दिस चैनल इज फुली डेडिकेटेड ओनली फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर आईआईटी नीट एज वेल एज सीबीएसई. ठीक है, तो प्लीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इसे बताओ, ताकि हमारा जो
एम है, जो विजन है, दैट इज टू रीच मैक्सिमम स्टूडेंट्स, वो फुलफिल हो तो यू कैन हेल्प इट, अगर आपको ये हेल्पफुल लग रहा है तो. अगला इंपॉर्टेंस ऑफ एपोमिक्स में आप देखो, ये बहुत रेयरली, वैसे तो देखो ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस भी पूछ सकता है, ठीक है, तो आप प्लीज इसे नोट करो. नेक्स्ट वी विल गो फॉर चैप्टर 3, दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन. ह्यूमन रिप्रोडक्शन में व्हाट आर डिफरेंट इवेंट्स ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इसमें हमारे पास देखिए सबसे पहले तो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, नेक्स्ट ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इन फीमेल जेनेटिक ट्रैक, नेक्स्ट फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओएम, नेक्स्ट अटैच. अच्छा ये जो है ये क्वेश्चन के तौर पे पूछा जाएगा, एंड दीज आर एक्सप्लेनेशन. फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओएम, अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टाइट विथ यूट्रिन वॉल फॉर फर्दर डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंड डिलीवरी ऑफ द बेबी, जिसे हम पार्ट ड्यूरेशन कहते हैं. तो आप यहाँ पर देखो, दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर स्पर्म, लेवल्ड फिगर है, एंड दिस इज सेमिनिफेरस ट्यूबल्स. तो इसे भी आप जरूर, आप देखो लेवल्ड फिगर को जरूर बनाना चाहिए, ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पॉज करके लिखो. नेक्स्ट हमारे पास मेल एसेसरी ग्लैंड्स में आप देखो, आप अच्छा इस वीडियो को आप देखो खाली समय में, जैसे आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आपका एग्जाम है, यू आर ऑलरेडी थॉरो विथ ऑल दिस थिंग्स, बट स्टिल आप इसे अपने मोबाइल में वॉच कर सकते हो. ट्राई टू यूज यू नो द एडवांसमेंट, जो भी हमारा टेक्निक आया है, जो भी हमारी चीजें ईजी हुई है, इन पॉजिटिव एक्सपेक्ट, ठीक है, ये नहीं हम न्यूज चैनल इसमें, अब एग्जाम है आपको एंटरटेनमेंट देख रहे हो तो उसकी जगह आप ये देख सकते हो, फुल आप देखो, क्योंकि देखो कोई भी चीज अगर हम सुने भी और देखे भी तो दैट विल हैव मोर इफेक्ट, ठीक है, तो एग्जाम में सारी चीजें याद आएंगी. तो आप ऐसा नहीं एक टाइम ही, आपको जब भी मौका मिले आप इवन एग्जाम से पहले मॉर्निंग में भी इस पूरे वीडियो को वॉच कर सकते हो. यू कैन सेव इट एज वेल. तो मेल एसेसरी ग्लैंड्स में आपके पास देखो प्रोस्टेट ग्लैंड्स, सेमिनल वेस्कल्स, कॉपर्स ग्लैंड, नेक्स्ट, और ये रहा हमारे पास नेक्स्ट हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यहाँ पर आप देखो, ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा रोकता हूँ, आप प्लीज इसे नोट करो, इसे बनाओ, साथ में आप कॉपी पेन लेके चलो, ठीक है, कॉपी पेन साथ में, जो भी चीज आप पढ़ते हो ऑडियो विजुअल थिंग उसे अगर आप नोट कर लो ना उसी समय, तो इट विल बी मैक्सिमम वन मंथ तो ये रहता ही रहता माइंड में, ठीक है, क्योंकि यहां पर आपने ऑडियो और विजुअल दोनों चीजों से आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है. नेक्स्ट प्रोसेस हमारे पास देखो स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओवोजेनेसिस, सॉरी, इसमें आप देखो, आप इसको नोट करो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन है इसमें, जिसमें हम दोनों प्रोसेस को देख रहे हैं. इसके बाद हम मेंसुरेशन साइकिल पे चाहेंगे, दैट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल पे. तो इसे आप नोट करते रहो, टेक योर ओन टाइम, आप इसे पॉज भी कर सकते हो, फुल सिलेबस, ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ मैंने क्वेश्चन दे दिया और आपको सर्च करना पड़े, बुक खोलना पड़े, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन दिस. अगला, आई होप आप नोट कर लिए होंगे, इसे देख लिए होंगे. अगला हमारे पास, अच्छा इसका जो एक्सप्लेनेटरी वीडियो है वो हम विद इन 10 days अवेलेबल कराएंगे. अभी आवर मेन टारगेट, जो इस समय एग्जाम दे रहे हैं बच्चे, क्योंकि मैंने बार बार रिपीट किया है कि आई हैव जस्ट ओपन दिस चैनल बिफोर वन मंथ, दैट इज इन फेब मार्च, इन फेब माई फर्स्ट वीडियो वॉज अवेलेबल, एंड विद इन वन मंथ ड्यू टू क्वालिटी, आप देखो कोई भी एड नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी बेस्ड चैनल है, जिसकी वजह से हमारे पास 2000+ सब्सक्राइबर है, ठीक है, और ग्रुप भी है, हमने ट्राई किया है एक ग्रुप फॉर्म करके ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को गाइडेंस देने का ऑन व्हाट्सएप टू, बट सिंस मेरे पास बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस था तो मेनली 1 to 2 hours गाइडेंस बस मैं दे पा रहा था पर डे. एनीवे मैं इसे इंक्रीज करूँगा, बिकॉज आई एम न्यू राइट नाउ इन यूट्यूब, तो
इसे हम थोड़ा और बड़े लेवल पे ले जाएंगे, आई विल हायर सम टीचर एज वेल। बाकी मैं फिजिक्स फैकल्टी हुई तो फिजिक्स में कोई भी डाउट है तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल देयर। एनीवे आप इस साइकिल को देखो, आप इसे नोट कर लो, ठीक है। इसमें आप डीज जो है वो इम्पोर्टेंट होते हैं। इसमें हमने डायग्रामेट्रिक प्रेजेंटेशन दिया है, दैट इज वेरियस इवेंट ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। नेक्स्ट आप देखो प्लेसेंटा, ठीक है, आई जी कैपिटल जी फंक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट रिलैक्सेशन, तो आप इसे नोट कर लो, पॉज करके पढ़ भी सकते हो, क्योंकि मैं बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनाना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप इसे बार बार देखो, इवन एग्जाम से पहले भी देखो, क्योंकि एक बुक से पढ़ना और ऑडियो विजुअली चीजों को देखने में बहुत ज्यादा फर्क हो जाता है। राइट नाउ आई होप आप सभी ने सिलेबस को अच्छे से कर लिया होगा, तो यू जस्ट नीड अ रिविजन, क्विक रिविजन, तो उसके लिए दिस वीडियो इज बेस्ट वन, मैं कह सकता हूँ 100% यू कैन ट्रस्ट। नेक्स्ट लैक्टेशन, लैक्टेशन और क्लोरोस्ट्रम, लैक्टेशन में इन्फ्लुएंस ऑफ HPL एंड प्रोगेस्टेरोन, मेमोरी ग्लैंड्स स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कोलोस्ट्रम है, थिक एंड येलोइश मिल्क कंसिस्ट ऑफ एंटीबॉडीज एंड डेवलप इम्यूनिटी टू प्रोटेक्ट फ्रॉम पैथोजन टू इन्फेक्ट। आपको भी देखो जब कोई भी काउ या बफेलो जब एक बर्थ देता है तो उसका जो फर्स्ट मिल्क होता है दैट इज येलोइश मिल्क होता है, ठीक है। ये एक्चुअल में एक तरीके से मेडिसिन है, एक एंटीबॉडीज है, ठीक है, जो इम्यूनिटी प्रेजेंट करता है इन्फेंट्स को। नेक्स्ट वी विल गो ऑन चैप्टर 4 दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में अकॉर्डिंग टू WHO दैट इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स अ टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियर एज वेल एज सोशल, ठीक है। राइट फ्रॉम इमोशन, डाइट वाइज, एवरीथिंग, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में सारी चीजें, यानी स्ट्रेस फ्री होना चाहिए, अच्छी डाइट होनी चाहिए, ठीक है, इमोशनल सपोर्ट होना चाहिए, तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स की अगर हम बात करें तो ये अवेयरनेस क्रिएट करता अबाउट रिप्रोडक्शन रिलेटेड एक्सपर्ट, मेनली इन इंडिया जहाँ पर सबसे ज्यादा ये इश्यू है, तो एज अ इंडियन स्टूडेंट आपको ये मेनली ये चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इट इज ऑल्सो गिव इंट्रोडक्शन टू सेक्स एजुकेशन इन स्कूल टू प्रोवाइड राइट इन्फॉर्मेशन टू यंग, अवेयरनेस ऑफ प्रॉब्लम ड्यू टू अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ, जो कि मेजर इशू है हमारे इंडिया का, सोशल एवेल लाइक सेक्स अब्यूज एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट हमारे पास एम्नियोसेटेस दैट इज अ सैचुरी ब्रेन ऑन अ फर्टाइल सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट, आपने देखा होगा बिफोर बर्थ, बच्चों का जो ये हमें चेक करना होता है कि कौन सा बॉयज कौन सा क्या बॉयज हो रहा है या गर्ल्स हो रहा है, गर्ल्स है तो उसे हम जनरली इन इंडिया ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है, तो इसके अगेंस्ट भी ये सारी चीज़ें होती है, डिफरेंट लॉज क्रिएट किए गए इस प्रोग्राम के तहत, डिफरेंट बातें बताई गई, और आज के प्रेजेंट सिनेरियो में आपने देखा जो मेन मोटिव है हमारा यही है कि जो गर्ल्स चाइल्ड है उसे सेफ करो और उसे ज्यादा से ज्यादा एजुकेट करो, ठीक है। नेक्स्ट मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल में हमारे पास नेचुरल मेथड्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट पीरियोडिक एब्स्टेंस, लैक्टेशनल एम्नोरिया, बैरियर मेथड्स भी हैं अवेलेबल, कॉन्डम्स हैं, हार्मोनल मेथड्स भी हैं जिसमें ओरल कॉन्ट्रेसेप्टिव पिल हैं, इंफ्रायूट्रिन डिवाइसेस हैं, IUDs बोलते हैं, कॉपर्टीज है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से भी प्रोवाइड होता है, ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लो ये फिगर्स हैं जो कि एक्सप्लेन करेंगे इन टर्म्स को। अगला ट्यूबोटॉमी है जिसमें बोथ फीमेल ट्यूब्स आर टाइड ऑफ, आप देखो यहाँ पे यूजली कट ड्यूरिंग ट्यूबिकल लिगेशन टू प्रिवेंट द स्पर्म फ्रॉम रीचिंग द ओएम ड्यूरिंग इंटरकोर्स। नेक्स्ट है टू ट्यूब जो आपका स्पर्म कैरी कर रहा है, ठीक है, टेस्ट टू पेनिस आर वैज डिफॉर्म्स ट्राइंग देम ऑफ एंड कट, उसे बांध दिया जाता है या कट कर दिया जाता है। अगला आप देखो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ
प्रेगनेंसी दैट इज एमटीपी टूल्स होते हैं एक्चुअली, इसमें इंटेंशनल और वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म इज कॉल्ड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी दैट इज एमटीपी और इंड्यूस्ड एबॉर्शन। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज जैसे एसटीडीज है, इन पे कंट्रोल किया जाता है इससे। जनरली डिजीज और इन्फेक्शन विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। इंपॉर्टेंट है, आज का मेजर इशू है आज के डेज का। वल्नरेबल डिजीज और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन दैट इज RTI, एग्जाम्पल सिफिलिस, गोनोरिया, हेपेटाइटिस बी, एड्स एक्सेट्रा। वन कुड फ्री ऑफ दीज इन्फेक्शन बाय फॉलोइंग सिंपल प्रिंसिपल गिवन बिलो, अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर, मल्टीपल पार्टनर्स, ऑलवेज यूज कॉन्डम्स ड्यूरिंग इंटरकोर्स। नेक्स्ट असिस्टेंस रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी ART, इसमें IVF फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी अंडर कंट्रोल कंडीशंस, ठीक है फॉलो। और उसके बाद जब वो कंट्रोल कंडीशंस में एवरीथिंग डेवलप हो जाता है तो इसको फिर हम फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफर अप टू 8 सेल ब्लास्टोमर्स। दिस टेक्निक इज आल्सो कॉल्ड टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। नेक्स्ट हमारे पास ZIFT दैट इज जायगोट और अर्ली एम्ब्रॉयज कुड बी ट्रांसफर इनटू फैलोपियन ट्यूब कॉल्ड ZIFT। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इसे आप प्लीज नोट करो। इंट्रा यूट्रिन ट्रांसफर IUT, नेक्स्ट GIFT, नेक्स्ट ICSI, अगला आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक्स मेनली जो हमारे एनिमल्स हैं उनमें बहुत ज्यादा यूज किया जाता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इसमें हम क्या करते हैं, सीमेन कलेक्ट कर लेते हैं, गुड सीमेन जिसमें अच्छा स्पर्म क्वालिटी हो उसको कलेक्ट करते हैं फ्रॉम एनिमल की तरफ से भी, और सिंस ये ह्यूमन की बात हो रही तो हस्बैंड और हेल्दी डोनर इज आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड आइदर इनटू वेगिना और इन द यूट्रस डायरेक्टली ऑफ द फीमेल, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर 5 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इसमें आप देखो मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है और इंपॉर्टेंट लॉ है इसमें। आप देखो जो इन्होंने कैरेक्टर्स लिया था दैट इज स्टेम हाइट टॉल डॉर्फ, फ्लावर कलर वायलेट वाइट, फ्लावर पोजीशन एक्सियल टर्मिनल, पॉड शेप इन्फ्लेटेड कंस्ट्रक्टेड, पॉड कलर ग्रीन येलो, सीड शेप राउंड रिंकल्स, सीड कलर येलो ग्रीन। मेंडल्स जो फर्स्ट लॉ है दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस, इसमें कैरेक्टर आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर्स जीन्स, सेकंड फैक्टर्स ऑकर्स इन पेयर्स, थर्ड इन अ डिसिमिलर पेयर्स ऑफ फैक्टर वन मेंबर ऑफ पेयर डोमिनेंट्स द अदर रिसेसिव। मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में दैट इज प्योरिटी ऑफ गैमेट्स में आप देखो द टू एलील्स रिसीव वन फ्रॉम ईच पेरेंट सेग्रीगेटेड इंडिपेंडेंटली इन गैमेट फॉर्मेशन सो दैट ईच गैमेट रिसीव वन और द अदर विथ इक्वल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है, इसके लिए आप NCERT बुक रेफर कर सकते हो डायग्राम्स के लिए। नेक्स्ट टेक्स्ट क्रॉस, अगला इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है, इसके लिए भी आप NCERT टेक्स्ट बुक को रेफर कर सकते हो फॉर डायग्राम्स। अगला को डोमिनेंस दैट इज बोथ पेरेंटल जीन एक्सप्रेस इन F1 प्रोगेनी सो द ऑफस्प्रिंग शोज रिसेम्बलेंस विद बोथ द पेरेंट, एग्जांपल ABO ब्लड ग्रुप टाइप्स इन ह्यूमन। इसके लिए आप NCERT का पेज नंबर 77 टेबल 5.2 देख सकते हो। नेक्स्ट सेक्स डिटर्मिनेशन में सेक्स क्रोमोसोम ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, एफ एक्स एंड वाई मेल एक्स एक्स फीमेल, और इंसेक्ट्स में बर्ड्स में और हनी बी में आप देखो इंसेक्ट्स में XO XX XX गिव यू फीमेल XO मेल, बर्ड डबल Z और ZW गिव यू फीमेल ZZ मेल, हनी बी एक्स टू द पावर M ड्रोन एक्स टू द पावर M डबल विल बी मेल एंड XX विल बी फीमेल। तो इंपॉर्टेंट है टेबल, वन मार्क्स क्वेश्चंस भी आ जाते हैं इससे। नेक्स्ट हमारे पास मेल हेट्रोगेमेट्री, मेल प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ गैमेट एग्जांपल ह्यूमन एंड ड्रोसोफिला। अगला फीमेल हेट्रोगेमेट्री में भी इसमें भी टू टाइप्स ऑफ गैमेट है एग्जांपल बर्ड्स, म्यूटेशन सडन चेंज इन DNA, इसमें आप देखो टाइप्स ऑफ जीन म्यूटेशन पॉइंट म्यूटेशन चेंज इन सिंगल बेस एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया, ये सारे जेनेटिकल वो है प्रॉब्लम्स है।
अगला फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, इसमें डिलीशन, इंसर्शन, डुप्लीकेशन, एडिशन, वन और टू बेसिस। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्रोमोसोमल म्यूटेशन में एनिप्लॉयडी, दैट इज एडिशन डिलीशन वन और मोर क्रोमोसोम। पॉलीप्लॉयडी में एडिशन डिप्लीशन वन और सेट क्रोमोसोम। नेक्स्ट पेडिग्री एनालिसिस, पेडिग्री एनालिसिस इज इम्पॉर्टेंट, इसमें इट इज अ चार्ट ऑफ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिकॉर्ड ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट थ्रू सेवरल जनरेशन इन अ फैमिली। अच्छा, इसका जो सिंबल आपको यूज है वो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से देख ली। अगला जेनेटिकल डिसऑर्डर में क्रोमोसोमल डिसऑर्डर और मेंडेलियन डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल में दीज आर ड्यू टू एब्सेंस और एक्सेस ऑफ एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम। मेंडेलियन डिसऑर्डर में दीज आर ड्यू टू अल्टरेशन और म्यूटेशन ऑफ वन जीन, एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया, हेमोफीलिया। अगला मेंडेलियन डिसऑर्डर में विथ रीजन है, ठीक है, ये आप देखो। अगला क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में विथ रीजन है, आप चेक करो। नेक्स्ट आप देखो, इसके बाद आई होप आप यहाँ पे पॉज करके नोट कर सकते हो, ठीक है। दैट इज मेंडेलियन डिसऑर्डर में मेरे पास सिकल सेल एनीमिया, ये सारी चीजें, कलर ब्लाइंडनेस इज ऑल्सो सेम प्रॉब्लम। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में डाउन सिंड्रोम, ठीक है, तो आप इसे प्लीज देखो। नेक्स्ट We'll go for chapter 6, that is molecular basis of inheritance. इसमें DNA as genital material, इसमें transformation of experiment or Grift effect. Grift perform his experiment on mice using diplomis phenomenon. Two strain of bacteria, RS type and R type cell. इसे आप note कर लो, important है ये। Next हमारे पास हर्शी एंड चेस एक्सपेरिमेंट। यहाँ पर आप देखो जो डीएनए है, इसमें डीएनए इज जेनेटिकल मटेरियल्स इन वायरसेस, वाज प्रोवाइडेड बाय हर्शी एंड चेस। दे ग्रू सम वायरसेस ऑन मीडियम दैट कंटेन रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस एंड सम अदर ऑन मीडियम दैट कंटेन रेडियोएक्टिव सल्फर। वायरस ग्रोन इन द प्रेजेंस ऑफ रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस कंटेन रेडियोएक्टिव डीएनए बट नॉट रेडियोएक्टिव प्रोटीन, बिकॉज डीएनए कंटेन फॉस्फोरस बट प्रोटीन डज नॉट। Similarly, viruses grown on radioactive sulfur contain radioactive protein but not radioactive DNA because DNA does not contain sulfur. Bacteria which are infected with virus that has radioactive DNA were radioactive, indicating that DNA was the material that passed from virus to the bacteria. Bacteria that were infected with virus that had radioactive protein were not radioactive. This indicates that protein did not enter the bacteria from viruses. DNA is therefore genetical material that is passed from virus to bacteria. एक flow chart है, आप देखो इसमें infection, फिर blending, फिर centrifugation किया गया था। At last ये पता चला कि DNA एक ऐसा genetic material है that is passed from virus to bacteria, ठीक है। Next हमारे पास है semi conservative nature of DNA, Matthew Maslin and Franklin Stiles। इसमें आप देखो हैवी हाइब्रिड देन लाइट हाइब्रिड, इसमें सेपरेशन ऑफ डीएनए बाय सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड है। इसमें आप डीएनए को सेपरेट कर सकते हो यूजिंग सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। नेक्स्ट रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए में आप देखो सेमी कंजर्वेशन मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। इसमें वेरियस स्टेप्स जो है समराइज है यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं प्लीज बार बार कह रहा हूँ, इट्स बोथ गुड फॉर सीबीएसई 12th बायो पेपर, बायोलॉजी पेपर, एज वेल एज फॉर नीट। मैकेनिज्म, क्योंकि सिलेबस सेम है और टॉपिक्स भी सेम है, तो आप प्लीज इसे देखो। मैकेनिज्म ऑफ रिप्लिकेशन स्टार्ट एट स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल कॉल्ड ओरिजिन। एट ओरिजिन डीएनए स्ट्रैंड्स, अभी एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे बिकॉज इट्स फॉर दिस ईयर बैच, तो आई होप आपको ये क्लियर होगा, यू हैव ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन ऑफ इट। बट एनी वे एक्सप्लेनेटरी वीडियो सून अपलोड होगा विद इन 10 डेज, तो आप प्लीज इसे चेकआउट करते रहो और एग्जाम से पहले एटलीस्ट 2 to 3 times इसे आप देखो, वो भी कम्प्लीट। मैकेनिज्म ऑफ रेप्लिकेशन स्टार्ट एट स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल कॉल्ड ओरिजिन। नेक्स्ट हमारे पास इंसिनेशन एंजाइम है, इसमें एट ओरिजिन डीएनए स्ट्रैंड ब्रेक बिकॉज ऑफ इंसिनेशन और निक। नेक्स्ट है आप देखो यहाँ पर इसके बने हुए। अगला थर्ड में हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड ज्वाइनिंग द टू स्ट्रैंड्स आर ब्रोकन बाय एंजाइम्स। फोर्थ स्टेप में टू स्ट्रैंड स्टार्ट अनवाइंडिंग, दिस टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ डीएनए अनवाइंडिंग एंजाइम हेलिकेसिस, ठीक है।
अगला द पॉइंट वेयर द टू स्ट्रैंड सेपरेटेड अपीयर्स लाइक अ फॉक्स और वाई शेप. देखिए आप इस फिगर में, दिस इज डिस्क्राइब एज रिफ्लेक्टिंग फॉक. नेक्स्ट, अ न्यू स्ट्रैंड इज कंस्ट्रक्टेड ऑन ईच ओल्ड स्ट्रैंड. दिस टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ अ स्मॉल आरएनए प्राइमर मॉलिक्यूल व्हिच इज कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ डीएनए एट दैट पॉइंट. सेवन पॉइंट में, ईच ओल्ड डीएनए स्ट्रैंड एक्ट एज अ टेम्पलेट और साइट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू स्ट्रैंड. The RNA primer attach itself to the old strand and attract the enzyme cDNA polymerase third, which add new nucleotides through base complementation. The deoxyribonucleotides are present in the surrounding nucleoplasm. New DNA strand is thus constructed opposite to each old strand. Seventh, the formation of new complementary strand always began at three ends of the template strand. ओरिजिनल स्ट्रैंड एंड प्रोग्रेस टूअर्ड दी फाइव एंड. आप देखो यहाँ पर, दिस इज फाइव थ्री, दिस इज फाइव थ्री थ्री फाइव. आप देखो यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज टेम्पलेट स्ट्रैंड हो गए, ये रेप्लिकेशन फॉक्स हो गए, ये डीएनए पॉलीमरेज डीएनए, ये लॉगिंग स्ट्रैंड हो गए, लीडिंग स्ट्रैंड हो गए, ठीक है, और ये फ्रेगमेंट्स हो गए. अगला टेंथ में, रेप्लिकेशन ऑफ लैगिंग स्ट्रैंड टेक्स प्लेस इन स्मॉल फ्रेगमेंट्स कॉल्ड ओके जाकी फ्रेगमेंट्स. दीज आर देन कनेक्टेड टूगेदर बाई एंजाइम लिगेसेस. नेक्स्ट, एट द एंड ऑफ प्रोसेस टू, डबल स्ट्रैंड डीएनए मॉलिक्यूल आर फॉर्म फ्रॉम द ओरिजिनल डीएनए मॉलिक्यूल. तो आप इस फिगर को आप देख सकते कि हाउ यू कैन सेमी हाउ यू कैन प्रोड्यूस डीएनए रेप्लिकेशन. नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट अगर आप यहां पर देखो, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोटो कैरियोट्स. तो इसमें आप देखो, द एम आर एन ए प्रोवाइड द टेम्पलेट, टी आर एन ए ब्रिंग्स एमिनो एसिड एंड रीड द जेनेटिक कोड, एंड आर आर एन ए प्लेज स्ट्रक्चर एंड कैटालिटिक रोल ड्यूरिंग ट्रांसलेशन. देर इज अ सिंगल डी एन ए डिपेंडेंट आर एन ए पॉलीमराइज दैट कैटलिज ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ आर एन ए इन बैक्टीरिया. आर एन ए पॉलीमराइज बाइंड्स टू प्रमोटर एंड इनिशिएट्स transcription, that is initiations. It use nucleoside triphosphate as substrate and polymerize in the template dependent fashion following the rule of complementary. It somehow also facilitate opening of helix and continuation elongation. Aap yahan pe check karo, here is the figure. Next, actually I am running out of time, isliye thoda sa main ise jaldi kar raha hu, theek hai. अगला ट्रांसक्रिप्शन इन यूकेरियोट्स में देखो, आरएमटी, दैट इज ये याद करने के तरीके हैं राधे. आरएनए पोल्स राइबोसोमल आरएनए, आरएनए पोल सेकंड मैसेंजर आरएनए, आरएनए पोल थर्ड, दैट इज ट्रांसफर आरएनए. स्प्लाइसेस रिमूवल ऑफ इंट्रोन्स कैपिंग अटैचमेंट ऑफ फाइव मिथाइल गिव्स एट फाइव ट्रेलिंग. यहाँ पे देखो ये सारे फिगर है, आई होप आपको क्लियर होगा ये फिगर, ठीक है. नेक्स्ट जेनेटिक कोड पे आ जाते हैं. जेनेटिक कोड आप देखो, ये बहुत इम्पोर्टेंट फिगर है, ब्लॉक डायग्राम के हेल्प से इसे एक्सप्लेन किया गया है. तो आप देखो, नेक्स्ट हमारे पास देखो, आप इसे रीड आउट कर लो. जेनेटिक कोड में जैसे आपके पास देखो, ये सारे प्रोसेस हैं, ट्रिपल लिनियर नॉन सेंस कोडन, यू ए यू डबल ए यू ए जी यू जी ए नॉन ओवरलैपिंग डी जनरेट नॉन एम्बिगुअस यूनिवर्सल कॉमलेस इनिशिएशन कोडॉन ए यू जी डबल ए एमिनो. यूनिवर्सल में स्पेसिफिक कोडॉन कोड्स फॉर सेम एमिनो एसिड इन ऑल ऑर्गेनिज्म. डी जनरेट मोर देन वन कोडॉन, डीजेनरेट का मतलब हो रहा है यहाँ पे मोर देन वन कोडॉन में कोड फॉर सेम एमिनो एसिड. नॉन एम्बिजियस में पर्टिकुलर कोडॉन विल ऑलवेज कोड फॉर सेम एमिनो एसिड. ट्रांसलेशनल स्टेप में एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड इनिशिएशन इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन. एलएसी ऑपरॉन आप यहाँ पर देख लो इस फिगर को, इन एब्सेंस ऑफ इंड्यूशर और इन प्रेजेंस ऑफ इंड्यूशर. रिप्रेजेंटेशन आर एम ए, रिप्रेजेंटेशन बाइंड टू द ऑपरेटर रीजन O and prevent RNA polymerize from transcripting the operon. Next है beta glycans, that is permissive. तो ये process आप देख लो, इसमें inactive repressor है और यहाँ पर आपके पास repressor mRNA है.
Next goal of HGP, identification of all genes in human, then address the ethical, legal and social issue, using technologies in other sector, improving tools for data analysis, storing information and sequential 3 billion base pair in human RNA. Next, silent feature of human genomes may function of 50% discovered gene unknown, reptic sequence contribute large portion, largest gene diastereomer, Y chromosome at 231 genes, chromosome 1 has 2968 genes, greater 2% genes codes protein, total gene 30,000, average gene consists 3,000 base and 31674.7 million nucleotides. Application of human genome project may identification of defective genes, comma, opportunity to offer early treatment, identification of genes that confer susceptibility of certain disease, technique for DNA fingerprinting process is also known as DNA typing, DNA profiling. देखो ये जरूर आप देखो fingerprinting में क्या है. DNA expression of cells in high speed refrigerator centrifuge. amplification of DNA content by PCR. Next, DNA fragmentation by restriction and endonuclease. Gel electrophoresis, double-stranded DNA split into single-stranded. Southern blotting, इसमें transferring separate DNA to nyclone or nitro Celsius sheet. The next we have nyclone sheet emerged in bath having props slash marker hybridization. Next, nyclone membrane pressed on X-ray film. And next, dark band development at prop site. चैप्टर 7 पे चलते हैं. चैप्टर 7 में इवोल्यूशन. इवोल्यूशन व्हाट इज इवोल्यूशन? इट इज अ प्रोसेस दैट रिजल्ट इन इनहेरिटेबल चेंज इन पॉपुलेशन स्प्रेड ओवर मेनी जनरेशन चेंज लीडिंग टू डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ. थियरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन. ऑपरेन ऑफ रशिया एंड हेडलाइन ऑफ इंग्लैंड प्रपोज दैट द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ कुड हैव come from pre-existing non-living organic molecules, that is RNA, protein, etc. And that formation of life was preceded by chemical evolution. Conditions jo hai, high temperature, volcanic storm, reducing atmospheric contents, H4, NH3, etc. Chemical evolution theory was experimentally proved by SL mirror and urethra. Aap ye check kar sakte ho, liquid water in trap, boiling water to vacuum press. Theek hai. नेक्स्ट हमारे पास इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म है. थियरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में चार्ल्स डार्विन ने दिया था. ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड बाय सी वॉग इन सेल शिप कॉल्ड HMS बीगल. ही ऑब्जर्व दैट ग्रेजुअल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स इन गैलापागोस आइसलैंड एंड मेले आर्किपेलाग. ऑल द एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म्स शेयर सिमिलरिटी एंड शेयर कॉमन एंसेस्टर्स प्रेजेंट एट डिफरेंट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ अर्थ. एविडेंस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में हमारे पास है फॉसिल फाउंड्स इन रॉक एंड सपोर्ट इवोल्यूशन. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास कंपेरेटिव एटोनॉमी एंड मॉर्फोलॉजी है. ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हेमोलोजस ऑर्गन एंड होमोलोजस ऑर्गन सम बेसिक स्ट्रक्चरल प्लांट एंड ऑरिजिन बट डिफरेंट फंक्शन एनालोगस में डिफरेंट स्ट्रक्चर. ये आप प्लीज नोट कर लो पॉज करके. ये डिफरेंस करना पूछता है. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास तो आई होप आप नोट डाउन कर लिए होंगे. यू कैन पॉज इट क्योंकि हमारे पास टाइम ऑलरेडी रनिंग है. तो नेक्स्ट हमारे पास पूछ सकता है डाइवर्जन इवोल्यूशन एंड कन्वर्जन इवोल्यूशन. इसमें आप देख लो इम्पोर्टेंट है. और ये जो लास्ट लाइन है ये देखो इनके साथ कनेक्टेड है. होमोलोजस ऑर्गन को डाइवर्जन इवोल्यूशन सपोर्ट करता है और एनालोजस ऑर्गन को कन्वर्जेंट इवोल्यूशन सपोर्ट करता है. इट कैन बी वन मार्क क्वेश्चन एंड मल्टीपल चॉइस टू इन नीट एग्जामिनेशन. नेक्स्ट हमारे पास एंथ्रोपोजेन एक्सटिंक्शन में इंडस्ट्रियल मैकेनिज्म बिफोर 1850 एंड आफ्टर 1920 क्या क्या चीजें चेंज हुई. बिफोर 1850 इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था. ट्री ट्रंक व्हाइट कलर्स के थे. प्रेडेटर अटैक ऑन डॉग मॉथ देन व्हाइट. लेकिन 1920 के बाद इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ. ठीक है. अर्बन एरियाज बढ़े और ट्री ट्रंक डार्क कलर के हो गए और प्रेडेटर्स अटैक ऑन व्हाइट मॉथ देन डार्क. ठीक है. मॉथ आर एबल टू कंसर्व देमसेल्फ दैट इज हाइड इन बैकग्राउंड सर्वाइव. दिस टाइप ऑफ इवोल्यूशन इज ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक पोजेनिक एक्शन. लिचन एक्ट एज अ इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन इंडिकेटर.
excess use of herbicides, pesticide, antibiotic, etc. develop resistance organism. Cell are appearing in time scale of month or year and not centuries. Next, adaptive radiation may evolutionary process which produce new species from single point origin and spread to other geographical areas called adaptive radiations. Example, Darwin finches found in Galapagos Island and Australian marsupials. अगला हमारे पास mechanism of evolution में देखो दो mechanism है आप प्लीज इसे नोट करो. अगला हार्डी विंग प्रिंसिपल, थोड़ा सा मैं इसे जल्दी जा रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी इट्स 1 आवर वीडियो और दिस वीडियो इज फॉर स्टूडेंट्स हु आर करेंटली प्रिपेयरिंग फॉर CBSE एज वेल एज नीट. तो बहुत जल्दी आपका एग्जाम है मे बी इन फोर डेज, तो इसीलिए थोड़ा सा मैं जल्दी जा रहा हूँ. ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन पार्ट आपको पता होगा. आफ्टर विद इन 10 डे जो नीट की तैयारी करें बिफोर नीट एग्जामिनेशन ईच एंड एवरी एक्सप्लेनेशन वीडियो चैप्टर वाइज विल बी ऑल्सो अवेलेबल ऑन आवर चैनल. तो सब्सक्राइब जरूर करें इसको और शेयर करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा डिजर्विंग स्टूडेंट्स तक पहुँच सकें. अगला आप देखो ये इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है. नेक्स्ट, 5 फैक्टर्स आर नोन टू अफेक्ट ये जो हार्डी विंग इक्विलिब्रियम है. क्या क्या था? इमिग्रेशन, सडन चेंज इन पॉपुलेशन, सडन चेंज इन DNA, क्रॉसिंग ओवर. इसके लिए आप फिगर 7.8 पेज नंबर 136 NCERT देख सकते हो. ह्यूमन इवोल्यूशन आप चेक कर लो. 10 to 15 MYA में आप देखो ईस्ट अफ्रीका एशिया क्लोजली रिलेटेड टू चिंपेंजीज. नेक्स्ट हमारे पास शिवालिक हिल, इरेक्ट पोस्चर, स्मॉल कैनिन. नेक्स्ट जो इवोल्यूशन हुआ था वो अफ्रीकन एपमैन, हाइट 1.5 मीटर्स, नैन टूल मेकर, कम्युनिटी लाइफ. इसके बाद तो चीज़ें चेंज होती चली गई. न्यू हाउ टू यूज फायर, लार्जर टी, ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया, मॉडर्न मैन, हाइट 1.5 टू 1.8 मीटर, फ्लैट फेसेस, जिसे हम होमो सेपियंस बोलते हैं. और इसकी ब्रेन आप देखो ब्रेन कैपेसिटी लगातार इंक्रीज हुई. 500 cc, देन 700 cc, देन 800 टू 1300 cc, देन 1450 एंड नाउ इट्स 1650 cc. नाउ चैप्टर 8, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज. यहाँ आप देखो टाइप ऑफ डिजीज में एक तो होता है इन्फेक्शियस डिजीज और एक होता है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज. इन्फेक्शियस डिजीज जो इजिली ट्रांसमिटेड हो जाता है, नॉन इन्फेक्शियस जो ट्रांसमिट नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल कैंसर ही अंदर ही डेवलप होता है. मोड ऑफ ट्रांसमिशन बाय एयर, बाय वाटर, बाय फिजिकल कॉन्टेक्ट, बाय एनिमल. टाइप ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज वायरल जो अभी मुझे हो रखा है, कॉमन कोल्ड, बैक्टीरियम, फंगल. एंड नेक्स्ट आप देखो इसमें नॉन फिक्सिस में स्ट्रेस, नो लेस फिजिकल एक्टिविटी, जेनेटिक, अनसुटेबल डाइट, रॉन्ग लाइफ स्टाइल, एक्सपोजर टू कार्सिनोजेन्स. कंट्रोल मेजर्स हैं नॉन इन्फेक्शियस में मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस, फिजिकल. आजकल तो मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस ईच एंड एवरी जहां पर वर्क हो रहा है, कोई भी जो इस समय वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन वहां ये कंपल्सरी हो गया, दे शुड हैव अ प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस. देन फिजिकल एक्सरसाइज, बैलेंस डाइट, अवॉइड ड्रग, अल्कोहल एंड टोबैको. और इन्फेक्शियस डिजीज को आप कैसे कर सकते हो? अवॉइड, बैलेंस डाइट, गुड पर्सनल हाइजीन, अवेयरनेस अबाउट डिजीज, वैक्सीनेशन, हाइजीनिक फूड एंड वाटर रिसोर्स. नेक्स्ट देखिए आपके पास यहाँ पर डिजीजेज है, उसके व्हाट आर पैथोजेंस, टाइप्स क्या क्या है, ट्रांसमिशन कैसे होता है और सिम्टम्स क्या है, तो इसे आप देख लो. टाइफॉइड में बैक्टीरियल है डिजीज, फूड एंड वाटर बॉर्न डिजीजेज हैं. इसमें हाई फीवर्स होगा आपको, वीकनेस, स्टमक पेन, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक एंड लॉस ऑफ एपेटाइट. निमोनिया भी बैक्टीरियल अगेन, एयर शेयरिंग, ग्लासेस एंड यूटेंसिल. इसमें आपके एल्वोल्स गेट फिल्ड विद फ्लूइड लीडिंग टू सीवियर प्रॉब्लम इन रेस्पिरेशन. फीवर, चिल्स, कफ एंड हेडेक, लिप्स एंड फिंगर नेल्स मे टर्न ग्रे टू ब्लूइश इन कलर. नेक्स्ट, कॉमन कोल्ड में आपके पास राइनो वायरस है, वायरल है ये. एयर एंड कॉन्टेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, नेजल कॉन्सेशन एंड डिस्चार्ज, सोर थ्रोट, हार्डनेस, कफ, हेडेक एंड टायर्डनेस. मलेरिया प्रोटोजोन से, फीमेल एनफोलिस मॉस्किटो से होता है. अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा फैला था NCR में मलेरिया, ये क्या डेंगू, ठीक है, ये भी इसी कैटेगरी में आता है. नेक्स्ट एमोबाइसिस, ठीक है. अगला आपके पास एकेरसिस, एलिफेंटाइसिस, रिंग वॉर्म एंड एड्स, ठीक है, तो आप प्लीज इसे नोट कर लो. नेक्स्ट हम चलेंगे लाइफ साइकिल ऑफ प्लेस्ड्रियम ऑन डस्ट होस्ट ह्यूमन फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटोज पे, ठीक है. और यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, मैं फिर बोल रहा हूँ क्योंकि मेजर प्रॉब्लम था ये इस ईयर का डेंगू, ठीक है. तो
तो आई होप आप पॉज करके नोट कर लिए होंगे, और फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ एग्जाम से पहले जरूर इसे 2 to 3 times वॉच करो, क्योंकि 1 hour में आप ऑलमोस्ट सारे चैप्टर बहुत अच्छे से विथ रिवीजन कर सकते हो। नीट के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, इट कैरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर CBSE 12th बायोलॉजी एज वेल एज नीट। अगला लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मिडियम ऑन ड्यूअल हॉस्ट ह्यूमन एंड फैमिल एनफ्लू मॉस्किटोज में आप देखो यहाँ पर, इसे प्लीज आप नोट करो, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इट कैन बी आस्क्ड, क्योंकि ये दिस ईयर इट वॉज अ वेरी बिग प्रॉब्लम इशू विच इंडिया वॉज फेसिंग। तो यहाँ पर आप देखो कैसे इंजेक्ट होता है, ठीक है, और ये लीवर तक रीच करता है थ्रू ब्लड। नेक्स्ट, पैरासाइट रिप्रोड्यूस ए सेक्सुअल इन लीवर एंड कम्स आउट इन ब्लड बाय बस्टिंग लीवर सेल्स, दे इंटर द आरबीसीज, पैरासाइट रिप्रोड्यूस ए सेक्सुअल इन आरबीसीज। यहाँ देखो साइड में आपके पास चैन बना हुआ है कि कैसे ये चेंज होते हैं, रिलीज पैरासाइट आफ्टर न्यू आरबीसीज एंड इनफेक्ट देम, पैरासाइट स्टार्ट्स द सेक्सुअल स्टेज एंड फॉर्म्स गैमेटाइड्स इन आरबीसी, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो टेक्स अप। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर इस फिगर को अगर आप देखते हो यहाँ क्लियर हो जाएगा, मॉस्किटो साइकिल बाहर से अंदर ह्यूमन में एंटर किए लीवर, फिर लीवर सेल, लीवर सेल्स में आप देखो फिर ये आरबीसीज में एंटर किए, उसके बाद ये फर्टिलाइजेशन जायगोट, और देखो ये लॉन्ग प्रोसेस है और बहुत ज़्यादा हार्मफुल है फॉर बॉडी। तो मैच्योर इसमें देखो मॉस्किटो बाइट अगेन एंड इजेक्ट्स दिस पैरासाइट इनटू ह्यूमन बॉडी। तो देखो आप यहीं से मॉस्किटो लेता और दोबारा किसी फ्रेश सोर्स में, आई मीन फ्रेश कोई भी ह्यूमन बॉडी जिससे बीमारी नहीं, उसमें दोबारा ये इंसर्ट कर देता है, जिससे लगातार ये डेवलप होते रहता है, ठीक है। यहाँ आप देखो एंटीबायोटिक स्ट्रक्चर, एंटीजेन बाइंडिंग साइट्स, एंटीबायोटिक कैसे स्ट्रक्चर्स होता है, ठीक है, आप देखो यहाँ पर एंटीबॉडी स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, टाइप ऑफ एक्वायर इम्यूनिटी में एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी एंटीबॉडी प्रोड्यूस विद इन ओन बॉडी, इट इज लॉन्ग लास्टिंग, डज नॉट कॉज एलर्जी, टेक टाइम, ये बॉडी के अंदर ही इम्यूनिटी प्रोड्यूस हो जाती है और ये का मतलब टाइम लेता है एक्टिवेट होने का। जैसे आपको कोई बीमारी हुई, आपने दवा नहीं लिया, एक्सटर्नल कोई दवा नहीं लिया, तो बॉडी भी ट्राई करेगा उसके प्रति इम्यून बनाने का, थोड़ा सा टाइम लेता है, लेकिन ये लॉन्ग लास्टिंग होता है और एलर्जी भी नहीं होती। अगला पैसिव इम्यूनिटी, इसमें आप एंटीबायोटिक ट्रांसफर फ्रॉम अनदर इंडिविजुअल, नॉट लॉन्ग लास्टिंग, सम टाइम कॉज एलर्जी एंड प्रोवाइड इमीडिएट रिलीफ। नेक्स्ट, लिम्फॉइड ऑर्गन्स, प्राइमरी लिम्फॉइड बोन मैरो और थाइमस। अगला सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में स्प्लीन, नेफ नोड्स, पैचेस हैं, टॉन्सिल्स है, माल्ट्स है, और प्राइमरी लिम्फोसाइट्स के फंक्शंस है प्रोवाइड माइक्रो एनवायरनमेंट फॉर डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन। और अगला फंक्शंस में स्प्लीन का है फिल्टर द माइक्रोब्स फ्रॉम ब्लड, लिम्फ नोड्स का है ट्रैप द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पैचेस के हैं प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ इफेक्टर सेल्स, एंड टॉन्सिल्स ट्रैप माइक्रोब्स एंटरिंग थ्रू द माउथ। अगला आप देखो टाइप ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स, प्राइमरी रिस्पॉन्स, सेकेंडरी रिस्पॉन्स। प्राइमरी में एक्सपोजर ऑफ बॉडी टू पैथोजेंस फॉर फर्स्ट टाइम ऑफ लो इंटेंसिटी, सेकेंडरी रिस्पॉन्स में सब्सिक्वेंट एक्सपोजर ऑफ सेम पैथोजन, रिस्पॉन्सेज ऑफ बॉडी इज हाइटेंड। एलर्जी नेक्स्ट पॉइंट है, एलर्जी में एक तो कॉमन एलर्जी में सब्सटेंस दैट कॉजेज एलर्जी, डस्ट, पॉलन फॉर सम फूड, सम केमिकल। सिम्टम्स है स्नीजिंग, रनिंग नोज, वॉटरी आईज, इचिंग। तो आप देखो अगर किस लोगों को धूल से बहुत ज़्यादा एलर्जी होती है, तो जब भी धूल उनके ऊपर पड़ती है ऐसे रीजन में जाते हैं जहाँ धूल ज़्यादा हो, तो उन्हें ये सारी चीज़ें स्नीजिंग, छींकना आने लगता है, उनके नोज रनिंग बहने लगते हैं, आँखों से पानी निकलने लगता है, जलन होने लगता है। कैसे आप रिड्यूस कर सकते हो, तो ये 3 steps हैं जिससे आप रिड्यूस कर सकते हो। ऑटो इम्यूनिटी कंडीशन, व्हेन स्ट्रक्चर ऑफ पर्सन डैमेज इज कॉज ड्यू टू अटैक ऑफ सेल्स ऑफ बॉडी बाय इट्स ओन इम्यून सेल्स, एग्जांपल हैं जो आप लिख सकते हो, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, कैंसर, ये भी बहुत बड़ा इश्यू है, तो इसे भी आप देखो। कैंसर में 3 चीज़ें आपको ब्लॉक डायग्राम के अंदर देखनी होती है, कॉजेज, डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट। याद रखना, ट्रीटमेंट भी तभी पॉसिबल है जब आप किसी पर्टिकुलर स्टेज में हो, फाइनल स्टेज में इसके ट्रीटमेंट अभी अवेलेबल नहीं है। कॉजेज में आयोनिक रेडिएशंस, केमिकल,
जैसे टार फ्रॉम सिगरेट वायरस. आप देखो मेन जो फैक्टर है इंडिया में जो कैंसर कॉज कर रहे हैं वो है सिगरेट, जो टार पैदा होते हैं सिगरेट से. ठीक है, और भी बहुत सारे हैं केमिकल फैक्ट्रीज में जो वर्कर्स काम करते हैं जो एक्सपोज हैं रेडिएशन से, उन्हें भी कैंसर हो जाता है. डिटेक्ट आप कैसे कर सकते हैं, MRI, एक्सरे, CT स्कैंस हो जाते हैं. ठीक है, ट्रीटमेंट में सर्जरी, रेडिएशन, सिमेटिक. इसमें आप देखो ये टोटल डी तरीके के हैं जिसमें आपके पास रेडिएशंस के द्वारा सर्जरी होता है और इसका ट्रीटमेंट होता है, उसे डिटैच कर देते हैं एक्चुअली. एडिक्शन एंड डिपेंडेंस में एडिक्शन इन साइकोलॉजिकल अटैचमेंट टू सर्टेन इफेक्ट्स सच एज एफोरिया एंड टेम्पररी वेलबींग एसोसिएटेड विद ड्रग्स एंड अल्कोहल. ये देखो ये भी बहुत बड़ा इशू है, ज़्यादातर लोग डिटेक्ट हो जाते हैं, एडिक्ट हो जाते हैं किसी पर्टिकुलर, जैसे कुछ लोगों को ये लगता है कि सिगरेट पीने के बाद वो नॉर्मल फील करते हैं, ऐसा नहीं है. दिस इज एक्चुअली डिटेक्शन, एडिक्शन है. तो इसे आप जरूर कभी भी किसी चीज़ के लिए एडिक्ट नहीं होना चाहिए. विड्रॉल सिंड्रोम्स में इफ रेगुलर डोज ऑफ ड्रग अल्कोहल एब्रप्टली डिसकंटिन्यूज दिस इज कैरेक्टरिस्टिक बाय एंग्जायटी, घबराहट होने लगती है, कंपन हो जाती है शरीर में, नौसिया, सिटिंग. तो आप देखा होगा ड्रग मिली ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. तो ड्रग कभी भी होना ही नहीं, मतलब लेना ही नहीं चाहिए. अगर आप बायो स्टूडेंट हो, आप अपनी किसी भी फ्रेंड्स को, ऑलवेज किसी भी रिलेटिव को अगर आप देखते हो, नोटिस करते हो, जरूर उसे ये बात बताओ. प्रिवेंशन एंड कंट्रोल में तो आप पीयर प्रेशर को अवॉइड करो, एजुकेशन, काउंसलिंग, वही जो मैंने बताया. आप एज अ बायो स्टूडेंट कल को आप डॉक्टर बनोगे, यू मस्ट टेक योर टाइम. आप टाइम निकालो अपने रिलेटिव को, सोसाइटी को एक एजुकेशन दो, ड्रग एब्यूज के बारे में बताओ. ठीक है, ड्रग्स में देखो तीन टाइप्स हैं और ये ड्रग्स एक्चुअली सारे ही टाइप बहुत ज़्यादा खतरनाक है. हेरोइन, मॉर्फिन, मैरिजुना, हसीस, चरस, गांजा, कोकीन. ठीक है, तो आप इसमें अगला चैप्टर में तो आप प्लीज़ यहाँ पर अगर ये पढ़ने के साथ साथ आपको एडवाइस है कि आप इसे फॉलो ना करें और अपने रिलेटिव्स को जो भी नोन पर्सन है उन्हें ये बातें जरूर बताएं. ठीक है, एग्जाम में भी इम्पॉर्टेंट है. चैप्टर 9 पे चलते हैं, दैट इज स्ट्रेटजीज फॉर एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन. ये चार्ट है, आप प्लीज़ पॉज करके नोट कर लो क्या क्या स्ट्रेटजीज है. एनिमल ब्रीडिंग, नेक्स्ट प्लांट ब्रीडिंग, नेक्स्ट टिश्यू कल्चर्स. तो ये आप देख लो, पॉज करो और इसे आप बना भी लो साथ में. टेक योर कॉपी पेन और साथ में फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कवर्ड है फॉर CBSE 2017-18. अगर आप इस साल एग्जाम दे रहे हो तो ये आपके लिए बेस्ट है 2017 CBSE बायोलॉजी पेपर के लिए, नीट के लिए भी. इसका जो डिस्क्रिप्टिव वीडियोज है वो विद इन 10 डे अपलोड हो जाएगा. बट जो बच्चे अभी पेपर दे रहे हैं CBSE का, प्लीज़ एंड प्लीज 2-3 times इसे फुल वॉच करो और नोट करो इसे. एग्जाम से जाने से पहले भी इसे वॉच करो. ठीक है, और शेयर करो इसे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में. नेक्स्ट, एनिमल ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव्स, ये भी आप देख लो. इम्प्रूव ग्रोथ रेट, इंक्रीज प्रोडक्शन, इम्प्रूव डिजायरेबल क्वालिटीज. बी कीपिंग, एपिकल्चर, फॉलोइंग इम्पॉर्टेंट्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिस बी कीपिंग के दौरान काम आते हैं. नॉलेज ऑफ नेचर, हैबिट ऑफ बीज, सेलेक्शन ऑफ, काफ़ी ये अच्छा बिजनेस भी है और इम्पॉर्टेंट भी है. ठीक है, सेलेक्शन ऑफ सुटेबल लोकेशन फॉर कीपिंग द बीज, कैचिंग एंड हैविंग ऑफ स्वॉर्म्स, मैनेजमेंट ऑफ बीम्स ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन्स, हैंडलिंग एंड कलेक्शन ऑफ हनी एंड बीज वैक्स. मेथड ऑफ एनिमल ब्रीडिंग में इन ब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, आउट क्रॉस, आउट ब्रीडिंग, आउट क्रॉस, क्रॉस ब्रीडिंग एंड हिसारेल. तो आप इसे देख लो, मैं यहाँ पे आप चाहो तो इसे पॉज करके नोट कर सकते हो, बिकॉज ऑलरेडी 1 hour का वीडियो से ऊपर हो गया है. तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे जल्दी ले जा रहा हूँ. ये और भी फर्दर है जिसमें इंटरस्पेक्चुअल हाइब्रिडाइजेशन कंट्रोल, ब्रीडिंग में आर्टिफिशियल इंसिमिनेशन और मल्टीपल ओवलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर, ये भी इम्पॉर्टेंट है. स्टेप इन प्लांट ब्रीडिंग में, ब्रीडिंग में हमारे पास कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, इवोल्यूशन एंड सेलेक्शन ऑफ पेरेंट, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन अमंग द सेलेक्टेड पेरेंट्स, सेलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स, टेस्टिंग, रिलीज एंड कॉमर्शलाइजेशन ऑफ न्यू कल्टीवर्स. ग्रीन रिवॉल्यूशन इंपॉर्टेंट है, 1 mark में पूछा जा सकता है, क्रॉप प्रोडक्शन के साथ था. व्हाइट रिवॉल्यूशन मिल्क प्रोडक्शन के साथ था और ब्लू रिवॉल्यूशन फिश प्रोडक्शन के साथ था. हिडन हंगर्स, बायो फोर्टिफिकेशन, सिंगल सेल प्रोटीन,
ठीक है, व्हाट आर द एडवांटेज टिश्यू कल्चर, व्हाट आर द माइक्रो प्रोपागेशन, तो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। आप चाहो तो यहाँ पॉज करके इसे नोट डाउन कर लो, ठीक है, और इसे या तो आप 2 to 3 times वॉच करोगे तो वैसे ही आ जाएगा। हेडिंग्स बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट हम चलते हैं चैप्टर 10, दैट इज माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। इसमें माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, बैक्टीरिया, यीस्ट एंड बैक्टीरिया। अब जैसे कन्वर्ट एक्शन है मिल्क, ये हमारे पास ऐसे जो हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में यूज होते हैं, कर्ड, मिल्क से कर्ड बनाना हो, ठीक है, कर्ड विथ इंक्रीज विटामिन B12, यीस्ट फर्मेंटेशन के काम आता है, बेकर यीस्ट, बैक्टीरिया प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, स्विस चीज बनाने में काम आता है, माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, फंजाई एंटीबायोटिक में यूज होता है, यीस्ट एल्कोहल में यूज होता है, फंगस साइट्रिक एसिड बनाने में, बैक्टीरिया एसिटिक एसिड, बैक्टीरिया ब्यूट्रिक एसिड और बैक्टीरिया लैक्टिक एसिड, ये इनके साइंटिफिक नेम है। कंजर्वेटिव ऑर्गेनिज्म जो इनको प्रोड्यूस करते हैं तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद होना चाहिए। इंजाइम्स एंड अदर बायोटिक मॉलिक्यूल्स में, बैक्टीरियम फंजी यीस्ट्स में आप देखो व्हाट आर दी प्रोडक्ट एंड व्हाट आर दी यूजेस। नेक्स्ट एंजाइम एंड देयर एक्शन, जैसे लिपेस है, रिमूविंग ऑयली स्ट्रेन, पेक्टिनेस है, क्लैरिफाइड बॉटल्स जूसेस, ठीक है, ये आप देखो ये चार्ट है जिसे आप बना सकते हो, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर्स। तो मैं यहाँ पे थोड़ी देर रुक रहा हूँ, आप इसे प्लीज चाहो तो पॉज कर लो, ठीक है, एंड इसे बना लो। ठीक है, इसमें आप देखो आप एनसीईआरटी के पेज नंबर 10.8/186 पे भी जा सकते हो इनके बारे में और अच्छे से देखने में, अगर आपको यहाँ क्लियर नहीं है वीडियो में तो। नेक्स्ट बायोगैस प्लांट इंपॉर्टेंट है, देख लो आप, कंक्रीट 10 रहेगा, 10 to 15 meters डीप, स्लरी और डंग फैट, ये पहले गांव में बहुत ज्यादा होते थे, आज भी यूज में है ये। फ्लोटिंग कवर placed above rises, biogas content rises, connecting pipe for supplying, देखो आप, connecting pipe for supplying biogas, used for cooking and lighting, Indian Agriculture Research Institute ने इसे develop किया था और खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन ने इसे, आई मीन इसके वेलफेयर में इसे इंस्टॉल करने में भी हेल्प की थी। नेक्स्ट माइक्रोब्स एट बायो कंट्रोल एजेंट्स, इन टेक्सटाइल पेस्टिसाइड, टॉक्सिक हार्मफुल एंड पॉल्यूटेंट्स, नेचुरल प्रिडेशन बेटर मेथड, नंबर ऑफ पेस्ट कैप्ड इन चेक, नॉट टोटली एरेडिटेड, फूड चैन नॉट डिस्टर्ब, जैसे लेडी बर्ड ड्रैगन फ्लाइज है, ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है अगर आपको एफाइड्स एंड मॉस्किटो से रीड दूर होना है या बचना है तो, ठीक है। नेक्स्ट आप देख लो बीटी, अगला इनके एडवांटेजेस आप नोट कर लो। नेक्स्ट एज बायो फर्टिलाइजर्स पे चलते, मेन सोर्सेज में बैक्टीरिया फंजाई एंड साइक्नोबैक्टीरिया, ठीक है, सिम्बायोटिक एसोसिएशंस में जेनेस ग्लोम्स एसपी फॉर्म्स, माइक्रोकॉर्जिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, प्रोसेस देखो आप यहाँ पे, हाउ टू ट्रीटमेंट इन एचटीपी, प्राइमरी ट्रीटमेंट जिसमें फिल्ट्रेशन एंड सेडिमिनेशन होता है, सेडिमेंटेशन, सेकेंडरी बायोलॉजिकल है इसमें फिल्ट्रेशन सेडिमेंटेशन, फिर एग्रीटेशन एंड रैपिड ग्रोथ एरोबिक माइक्रोब्स, कंज्यूम्स ऑर्गेनिक मैटर रिड्यूस बीओडी, एफ्लुएंट पास टू सेटलिंग टैंक, फ्लॉक सेडिमेंट्स फ्रॉम एक्टिवेटेड स्लज, एनोरोबिक स्लज डिस्टेंट फ्रॉम बायोगैस वाटर रिलीज इन टू रिवर्स एंड स्ट्रीम। चैप्टर 11 पे चलते हैं, बायोटेक्नोलॉजी, व्हाट आर द प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, तो इसमें टूल फॉर आरडीएनए टेक्नोलॉजी, रेस्ट्रिक्शन इंजाइम्स, पॉलीमराइज इंजाइम्स, लिगेज, वेक्टर्स एंड होस्ट ऑर्गेनिज्म, स्टेप्स इन प्रोड्यूसिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए, द रिक्वायर्ड जीन इज कट फ्रॉम डीएनए मॉलिक्यूल यूजिंग रेस्ट्रिक्शन इंजाइम्स, अ बैक्टीरियल प्लास्मिड इज आइसोलेटेड एंड कट विथ सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, दिस इंश्योर कट एंड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, रिक्वायर्ड जीन्स इज जॉइन टू प्लास्मिड यूजिंग द एंजाइम डीएनए लिगेज। अच्छा, एक चीज आप 100% ट्रस्ट कर सकते हो,
हमारे चैनल के वीडियोस पे अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आप देखो, वी आर मेनली स्ट्राइविंग ऑन क्वालिटी। हमारा मेन है यहाँ पे क्वालिटी प्रोडक्ट दे रहे हैं हम ऐसा नहीं छोटा कर दिए या बहुत ज़्यादा इंटरटेनिंग कर दिए, क्योंकि ये चैनल एजुकेशन चैनल है और यहाँ पे आपको, अगर आप सीरियस कैंडिडेट हो, अगर आप पढ़ना चाहते हो, ठीक है, प्लीज एंड प्लीज वॉच आवर वीडियोस। अगर आप सिंपली जस्ट, मैंने देखा कोई भी वीडियो बना दे रहा है आज के डेट में, तो दैट इज जस्ट फॉर फन, दैट इज जस्ट फॉर चेकिंग योर सेल्फ, जस्ट फॉर अर्निंग, तो प्लीज बियर रहो, बिकॉज इट्स एग्जाम टाइम, यू मस्ट फेथ एंड ट्रस्ट ऑन पर्टिकुलर टीचर्स। तो दो आई एम नॉट अ बायोलॉजी टीचर, स्टिल आई वॉन्ट ऑल माई सब्सक्राइबर्स, ऑल माई स्टूडेंट हु हैव सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आर हैविंग प्रॉब्लम इन बायो सब्जेक्ट, तो मैं एक्सप्लेन तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ आई विल बी प्रोवाइडिंग अ क्वालिटी मटेरियल, ऑनलाइन मटेरियल टू देम। वेबसाइट भी है www.conceptualphysicsindia.com, आप वहाँ पर भी जा सकते हो, वहाँ पर भी आपको IITJEE नीट के फर्दर वीडियोज मिलेंगे, CBSE एज वेल। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। फिर रिपीट करता हूँ, डिस्कवर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड टॉपिक फॉर CBSE बायोलॉजी पेपर, ऑल्सो इट इज फॉर नीट एग्जामिनेशन। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, प्रोसीजर्स क्या क्या है, आइसोलेशन, डाइजेशन, फ्रैक्शनेशन, प्योरिफिकेशन ऑफ टारगेट फ्रेगमेंट, क्लोनिंग इंटू वैक्टर्स, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हॉट सेल एंड सेलेक्शन, इंट्रोडक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट सेल, सम कॉमनली यूज्ड प्रोसीड्यूर्स आर ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफेक्शन, इलेक्ट्रोपोरेशन, बायोलिस्टिक्स, ठीक है। नेक्स्ट नेमिंग आप देख लो, इंपॉर्टेंट है। अगला टाइप, एक्सोन्यूक्लियस रिमूव न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम एंड ऑफ डीएनए, वेयर एज एंडोन्यूक्लियस मेक कट एट स्पेसिफिक पोजीशंस विद डीएनए। अगला, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, फॉर एग्जांपल ECO-RI रिकॉग्नाइजेस द सीक्वेंस। आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक फिगर 11.1 देख सकते हो। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लोनिंग वेक्टर्स में ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, दैट इज ORI, सेलेक्टेबल मार्कर्स, रेस्ट्रिक्शन साइट्स, वेक्टर फॉर क्लोनिंग प्लांट एंड एनिमल सेल, मोस्ट कॉमनली यूज प्लांट क्लोनिंग वेक्टर TI प्लास्मिड। नेक्स्ट आप देखो, PCR इंपॉर्टेंट है और इसके फिगर के लिए आप NCERT 11.6 फिगर देख सकते हो। आप यहां पॉज करके नोट भी कर सकते हो। नेक्स्ट, PCR जिसमें तीन स्टेप्स हैं, डीनेचुरेशन, एनिलिंग, पॉलीमराइजेशन और एक्सटेंशन, ठीक है। नेक्स्ट, चैप्टर 12, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। इसमें देखो, एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर में GMO, दैट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, देन GMO क्रॉप्स दैट कंटेन और एक्सप्रेस वन और मोर यूजफुल फॉरेन जीन्स। एडवांटेज क्या होता है, ये मोर टॉलरेंट टू स्ट्रेस होते हैं, हीट कोल्ड ड्रॉट के, विपरीत कंडीशन में भी ये चल जाते हैं। पेस्ट रेजिस्टेंस होते हैं GM क्रॉप, रिड्यूस यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड, एग्जाम्पल में BT कॉटन है। नेक्स्ट, रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, इनहेंस न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड। नेक्स्ट, पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट्स में BT कॉटन, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट्स अगेन लिमिटेड में आपके पास देखो, तो इसे आप रीड आउट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। BT कॉटन इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि ऐसा प्लांट है जो पेस्ट से रेजिस्ट होता है, ठीक है। अगला, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट अगेंस्ट न्यूट्रिएंट्स इन मेडिसिन, जेनेटिकल इंजीनियरिंग इंसुलिन, इसके लिए आप NCERT टेक्स्ट बुक डायग्राम के लिए आप देख सकते हो, ठीक है। अगला, जीन थेरेपी, जीन थेरेपी इन्वॉल्व करेक्शन ऑफ जीन डिफेक्ट इन चाइल्ड और एम्ब्रियो, ठीक है। मॉलिकुलर डायग्नोसिस देख लो आप एक बार। अगला, ट्रांसजेनिक एनिमल्स भी बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं, दे आर हेल्प टू नो अस हाउ जीन्स कॉन्ट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट ऑफ डिजीजेस, हाउ टू गेट बायोलॉजिकल यूजफुल प्रोडक्ट
also to verify vaccine and chemical safety. Biopiracy is some organization and multinational company exploit or patent bioresource of other nation without proper authorization. Indian patent bill is there to prevent such unauthorized exploitation. So important hai ye. GAC mein for validity of GM research and safety of introducing GM organism. Chapter 13 organism and population, ye aap dekh lo, ecology deals with interaction among organism, between organism and physical environment. Biomes, the largest economical region distinguished by characteristic plants and animals, ye 6 hai. Tundra, conifer, deciduous forest, grassland, tropical and desert. Environment simply means the surrounding environment. Mein hamare paas abiotic factors and biotic factors. Abiotic mein temperature, soil, water and light. Biotic factor mein microorganism, plants, animals. Temperatures mein aap dekh lo aur lights mein. To aap please ise note down karte raho. Ya to ise 2 to 3 bar full complete video aap cross check karo. Aap dekho within 1 hour you will be able to revise all the chapters both for CBSE biology paper as well as for NEET. So, ye most important questions and topics hain, which is will be asked in CBSE as well as NEET. Regulation ke dono ka syllabus same hota hai. Response to abiotic factors, regulation, conformation, migration, suspension, adaptation, isme aapke paas Allen rule, polar mammals and burrowing habit to escape from heat. ठीक है. अगला higher count of RBCs, population attributes में birth rate, natality, death rate, mortality, कितने number of individual die कर रहे per thousand, sex ratio, population density, ठीक है, four factor पे है ये N I M E. Age pyramids, three ecological ages, pre-reproductive, reproductive and post-reproductive. High proportion pre-reproductive individual occurs in expanding population. Pre-reproductive and reproductive individuals are uniform in a stable population and pre-reproductive individuals are less in declining population. Next, population growth, growth models, exponential growth and logistic growth. लॉजिस्टिक ग्रोथ के और इन दोनों के लिए आप फिगर 13.5 दे सकते हैं एनसीईआरटी का. अगला डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एट एनी टाइम एट एनी प्लेस डिपेंड ऑन नेटैलिटी, मोर्टैलिटी, इमिग्रेशन एंड इमिग्रेशन. पॉपुलेशन इंटरैक्शन में आप देखो म्यूटलिज्म, प्रीडेशन, कंपटीशन, पैरासिटिज्म, कॉम्युनलिज्म एंड एमिनलिज्म. इसमें एग्जाम्पल्स भी हैं जैसे म्यूटलिज्म में लिचेंस, माइक्रोजिया, टाइगर, डीर, बर्ड एंड सीड्स. प्रीडेशन में कंपटीशन में हैविंग टॉन, टॉर्टाइज एंड गोट्स, फ्लेमिंगो एंड फिशेस. पैरासिटिज्म में इंडो, एक्टो, ब्रूड, दैट क्वेल. कॉमनलिज्म में जो एनिमल्स आते हैं क्लोन, फिश, सी एनिमल्स, कैटल्स. एमिनलिज्म में पेनिसिलिन एंड स्टफ स्टाफकुल स्पीसीज में आप देखो ए प्लस प्लस, माइनस प्लस प्लस माइनस एंड स्पीसीज बी प्लस माइनस 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 ओ एंड ओ. नेक्स्ट चैप्टर 14 पे चलते हैं. इकोसिस्टम, इसमें द कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम आर सीन्स टू फंक्शन एज अ यूनिट, प्रोडक्टिविटी, डीकंपोजिशन, एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइकिल. ये चार चीज है जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इकोसिस्टम के मेन फंक्शंस में. प्रोडक्टिविटी में प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ग्रॉस प्रोडक्ट, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कैसे निकालें, देखो यहाँ फॉर्मूलाज भी है. नेट प्राइमरी निकालना है तो जीपीपी माइनस आर इक्वल टू एनपीपी. नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, इट इज अ डिफाइंड एज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर. नेक्स्ट डीकम्पोजिशन, प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिशन जो है ये फॉलोइंग स्टेप्स में ये कंप्लीट होता है. सबसे पहले फ्रेगमेंटेशन, फिर लीचिंग, फिर कैटाबोलिज्म, फिर ह्यूमिफिकेशन एंड फिर मिनरलाइजेशन. इसके एक्सप्लेनेशन हम विद इन 10 डे नेक्स्ट वीडियो, दैट इज सेलेक्टेड वीडियो फॉर नीट में हम देंगे, जिसमें हम चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर्स जिसमें एक्सप्लेनेशन सब करेंगे. राइट में रिविजन है तो इसमें हम सारे चैप्टर्स कवर किए. नेक्स्ट एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम,
सिर्फ 10% ऑफ एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर, फिर फूड चेन है, ग्रेजिंग फूड चेन, डीएफसी, देन स्टैंडिंग क्रॉप्स, अगला इकोलॉजिकल पिरामिड्स, थ्री टाइप्स है, नंबर, एनर्जी और बायोमास। पिरामिड ऑफ नंबर इन ट्रीज इकोसिस्टम इज इन्वर्टेड, पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी ऑल्सो इन्वर्टेड बिकॉज बायोमास ऑफ फिशेज इज फार एक्सीड देन फाइव प्लैंकटन्स। पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, कैन नेवर बी इन्वर्टेड बिकॉज एन एनर्जी फ्लो फ्रॉम पर्टिकुलर ट्रॉपिक लेवल टू नेक्स्ट, सम एनर्जी इज ऑलवेज लॉस्ट एज हीट एट ईच स्टेप। इसके लिए आप एनसीईआरटी फिगर 14.4A to D फिगर आप देख सकते हो। अगला इकोलॉजिकल सक्सेशन में ग्रेजुअल एंड फेवरेबल फेयरली प्रेडिक्टेबल चेंज इन स्पीसीज कंपोजिशन ऑफ गिवन एरिया कॉल्ड इकोलॉजिकल सक्सेशन। अगला ऑल चेंजेस लेड फाइनली टू कम्युनिटी दैट इज इन नियर इक्विलिब्रियम विद द एनवायरनमेंट एंड दैट इज क्लाइमेक्स कम्युनिटी। नेक्स्ट प्राइमरी सक्सेशन, नेक्स्ट सेकेंडरी सक्सेशन। व्हाट आर द टाइप्स बेस्ड ऑन नेचर ऑफ हैबिटेट, वेदर इट इज वाटर और ए ड्राई एरिया, सक्सेशन ऑफ प्लांट इज कॉल्ड हाइड्रास और जेरार। जेरार सक्सेशन में सक्सेशन इन बेयर रॉक, लिचेन, मोसेस, हर्बेसियस प्लांट्स, सॉप्स, ट्रीज। सक्सेशन इन एक्वेटिक एनवायरमेंट में फाइटोप्लैंकटन्स, जूप्लैंकटन्स, रूटेड हाइड्रोफाइट्स, सबमर्ज एंड फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स, स्ट्रीज, रीड स्वैम्प स्ट्रीज, मार्स मिडो स्ट्रीज, सब स्ट्रीज, ट्री एंड फॉरेस्ट। न्यूट्रिएंट साइकिल दो टाइप्स के हैं, गैसेस साइकिल एंड सेडिमेंट्री साइकिल। इकोसिस्टम कार्बन साइकिल, इसके लिए आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक डायग्राम के लिए जा सकते हो। इसमें मच कार्बन इज फिक्स्ड इन बायोस्फीयर बाय फोटोसिंथेसिस कॉमा एनुअली, लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन रिटर्न टू एटमोस्फियर एज CO2 थ्रू रेस्पिरेशन ऑफ प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। डीकम्पोजर्स ऑल्सो रिटर्न CO2 टू रिजर्व वायर ड्यूरिंग डीकम्पोजिशन प्रोसेस। सम अमाउंट ऑफ कार्बन इज लॉस्ट टू सेडिमेंट एंड रिमूव फ्रॉम सर्कुलेशन। बर्निंग वुड, फॉरेस्ट फायर, कंबशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, फॉसिल फ्यूल, वॉल्केनिक एक्टिविटी आर एडिशनल सोर्स फॉर रिलीजिंग CO2 टू एटमोस्फियर। इकोसिस्टम फॉस्फोरस साइकिल, रिजर्वायर पूल्स ऑफ फॉस्फोरस इन रॉक्स विच कंटेन्स फॉस्फोरस इन फॉर्म ऑफ फॉस्फेट्स। डिफरेंट बिटवीन कार्बन एंड फॉस्फोरस साइकिल, नो रेस्पिरेटरी रिलीज ऑफ फॉस्फोरस, रिजर्वायर फॉर कार्बन इज एटमोस्फियर बट फॉर फॉस्फोरस इज रॉक। चैप्टर 15 पे चलते हैं, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। इसमें पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी, लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट, व्हाई ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एट गेटर बायोडाइवर्सिटी, देखो आप प्लीज, इस इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, व्हाट आर दी स्पेसिफिक एरिया रिलेशनशिप, इसके लिए आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक फिगर देखो। एनीवेज, विद इन अ रीजन स्पेसिस रिचनेस इंक्रीज विद इंक्रीजिंग एक्सप्लोर्ड एरियाज बट ओनली अप टू अ लिमिट। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी में कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस में फोर मेजर लॉस है, जिसे हम एविल क्वार्ट्रेट बोलते हैं। हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, सेकेंड ओवर एक्सप्लॉटेशन, थर्ड एलियन स्पीसीज इन्वेशन। नेक्स्ट, को एक्सटेंशंस। अगला, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में वाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। रीजन फॉर कंजर्वेशन इज ग्रुप्ड इनटू थ्री कैटेगरी, नैरोली यूट्रेटेरियन, ब्रॉडली यूट्रेटेरियन एंड एथिकल। हाउ डू वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी इन सीटू कन्वर्जेशन कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट एंड सैक्रेड ग्रुप्स। अगला, एक्स सीटू कंजर्वेशन में थ्रेटन एनिमल एंड प्लांट आर टेकन आउट फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट एंड प्लेस्ड इन स्पेशल सेटिंग वेयर दे कैन बी प्रोटेक्टेड एंड गिवन स्पेशल केयर। फॉर एग्जाम्पल, आप देखो जूलॉजिकल पार्क, बॉटनिकल गार्डन, वाइल्ड लाइफ सफारी, कंजर्वेशन ऑफ गैमेट्स, ठीक है, सीड बैंक्स एक्सेट्रा। कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी में अर्थ समिट हेल्ड इन, अब इसमें अलग अलग कन्वेंशन भी होते हैं जिसमें बहुत सारे लोग मिलते हैं और वहाँ पर डिसाइड करते हैं कि हाउ टू प्रिवेंट या हम ये लॉस कैसे हम इसको मिनिमाइज करें। जैसे अर्थ समिट होता है, वर्ल्ड समिट है, ठीक है। चैप्टर 16 इन एनवायरमेंटल इश्यूज में पॉल्यूशन सबसे बड़ा इशू है आज का। इसमें एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन एंड मिसलेनियस पॉल्यूशन। आप देखो दिल्ली एनसीआर रीजन में एयर पॉल्यूशन सबसे बड़ा इशू आज की डेट में, वाटर पॉल्यूशन भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, नॉइज पॉल्यूशन ड्यू टू लॉट ऑफ ट्रैफिक एक्सेट्रा। तो आप देखो एयर पॉल्यूशन में
वो एयर एक्ट लाया गया, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल 1981 का, कॉजेस क्या क्या था एयर का, पॉल्यूशन का, इंडस्ट्री, व्हीकल्स, वॉल्केनिक इरप्शन, ये नेचुरल हो गया, हाउस होल्ड पॉल्यूटेंट्स, मेटालिक एंड डस्ट पार्टिकल, एरोसोल्स गैसेस, CO, SO2, NO2, इफेक्ट्स है, हार्म्स है। तो आप इसे पढ़ सकते हो ये पूरा, और बना भी सकते हो, इसमें ये सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो आप इसे पॉज करके आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, आप नोट डाउन कर सकते हो कॉपी पेन से। अगला, अच्छा एक चीज और, ज्यादातर बच्चे शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस पे ज्यादा जाना पसंद करते हैं, बट दैट विल बी बाई पार्ट, आपने एक भी मिस कर दिया तो आपका चैप्टर चला जाएगा। तो लॉन्ग वीडियो है बट स्टिल आप यहाँ पर सारी चीजें इकट्ठा देख पा रहे हो, मतलब आप एफिशियंटली अपना 1.5 आवर दे रहे हो, ठीक है, जिसमें आप टोटल चैप्टर्स भी कवर कर रहे हो। तो इसीलिए प्लीज एंड प्लीज पूरा देखो इस वीडियो को, कॉपी पेन लेके देखो, लेके इसे वॉच करो, कहीं भी इंपॉर्टेंट लगे उसे नोट करो, सेव कर सकते हो, इसे बार बार आप इसे वॉच कर सकते हो। अगला, एयर पॉल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल, प्रिवेंशन ऑफ एयर पॉल्यूशन, वे टू रिमूव पार्टिकल्स, मैटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स है, इसके लिए आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक फिगर के लिए जा सकते हो, स्क्रबर के लिए, मेथड हाउ, व्हाट आर द मेथड टू रिड्यूस व्हीकल पॉल्यूशन में, कैटलिस्ट कन्वर्टर, कंट्रोलिंग व्हीकल पॉल्यूशन, केस स्टडी देखो, केस स्टडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने बार बार बोला है दिल्ली एनसीआर में चल सकता है, जैसे दिल्ली में यूज ऑफ सीएनजी कर दिया गया, एडवांटेज ये हुआ सीएनजी बर्न मोर एफिशिएंटली, कैन नॉट बी सीफोन चीपर देन पेट्रोल एंड डीजल, वाटर पॉल्यूशन और कंट्रोल में बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, BOD, नेक्स्ट आप इसे पढ़ सकते हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाउ टू कंट्रोल वाटर पॉल्यूशन, बायोमैग्निफिकेशन, बायोमैग्निफिकेशन ऑफ DT, टी इन एक्वेटिक फूड चैन, देखो वाटर से जू प्लैंकटन, देन स्मॉल फिश, देन लार्ज फिश, फिश ईटिंग बर्ड्स, देन यूट्रोफिकेशन, इसमें आपका न्यूट्रिएंट एनरिच ऑफ वाटर एंड कॉन्सिक्वेंटली लॉस ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी इज रेफर एज यूट्रोफिकेशन, अगला कल्चर और एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन, इसमें आपका देखो मैन एक्टिविटीज की वजह से काफी लॉस हो जाता है, केस स्टडी ऑफ इंटीग्रल वेस्ट सिस्टम, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, इट हैज बीन डाउन टाउन इन आर्कटा इन नॉर्थ कोस्ट ऑफ कैलोरिना, सिटीजन ग्रुप फ्रेंड्स ऑफ आर्कटा मार्स, दैट इज फॉर्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अपकीप एंड सेफ गार्डिंग दिस प्रोजेक्ट, इकोलॉजिकल सैनिटेशन, केरला एंड श्रीलंका में है हमारे पास इसको, स्कैन टॉयलेट्स जहाँ पे हम ड्राई कंपोजिंग टॉयलेट्स बनाए हुए हैं इकोलॉजिकल सैनिटेशन से, सॉलिड वेट, सॉलिड वेस्ट और सैनिटरी लैंडफिल्स, केस स्टडी ऑफ रेमेडी ऑफ प्लास्टिक वेस्ट, अहमद खान, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इट इज ऑल्सो अगेन इंपॉर्टेंट, एग्रोकेमिकल एंड देयर इफेक्ट भी इंपॉर्टेंट है, इसमें आप केस स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग बाय रमेश चंद्रा डागर ऑफ सोनीपत। अगला, रेडियो एक्टिव वेस्ट, आज के रिसेंट में सबसे बड़ा इश्यू है ये, तो इसे डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट, अगला ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग, नेक्स्ट ओजोन डिप्लीनेशन इन स्ट्रेटोस्फियर, तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो CBSE पूछ सकता है बायोलॉजी पेपर में, और नीट में भी इसे इंक्लूड किया जा सकता है, एंड ये वैसे भी इंपॉर्टेंट है फॉर जनरल अवेयरनेस ऑफ स्टूडेंट्स। अगला, इफेक्ट ऑफ UV रेज, डैमेज ऑफ स्किन सेल, कॉजेज स्किन कैंसर, ह्यूमन आई कोरोना एब्जॉर्ब UVB रेडिएशन, एंड हाई डोज ऑफ UV कॉज इन्फ्लेमेशन ऑफ कॉर्निया, कॉल्ड स्नो ब्लाइंडनेस, कैटरेक्ट एक्सेट्रा, कैसे प्रिवेंट कर सकते हो आप देखो यहाँ पर। अगला, केस स्टडी ऑफ पीपल पार्टिसिपेशन इन फॉरेस्ट कन्जर्वेशन, तो आप अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड में देखो, आप वहां पर जो इंडिविजुअल्स ऑफ रूरल एरिया थे वो इंटरेस्ट लिए प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ, ठीक है। अगला आप चलते हैं क्वेश्चंस आंसर्स पे, तो शॉर्ट 1 मार्क क्वेश्चन में आप देखो, इन ऑर्गेनिक ऑर्गेनिज्म लाइक रोटिफायर, हनी बी एंड फीमेल, अब देखो चलो ये सारे क्वेश्चंस हैं, तो मैं जो आपका ये क्वेश्चन वाला पार्ट है इसको मैं सेकेंड पार्ट में कर देता हूँ, यहाँ तक हम आज कंप्लीट करते हैं, दैट इज थियरी पार्ट, क्वेश्चन वाला पार्ट अभी मैं विद इन 1 आवर दोबारा अपलोड कर दूंगा, वो भी 1 आवर का होगा, तो आप पहले थियरी पार्ट पूरा देख लो, फिर आप फुल्ली प्रिपेयर हो जाओ फॉर क्वेश्चन एंड आंसर पार्ट के लिए, दैट इज पार्ट 2। तो थैंक यू एंड डोंट फॉलो,
सॉरी, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, याद रखना, कमेंट करो अगर आपको ये हेल्पफुल लगा। और सेकंड पार्ट मैं अभी बनाता हूँ जिसमें हम क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। आप अपना ईमेल भी भेज सकते हो, अगर आई विल गेट टाइम तो आई विल ट्राई टू फॉरवर्ड द पीडीएफ फाइल एज वेल। एनीवेज, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन, कीप वॉचिंग एंड ट्रस्ट मी, पूरा वीडियो आप 2 से 3 बार देखो, उसके बाद क्वेश्चन वीडियो आप 1 to 2 बार देखो, आप देखो ऑलमोस्ट यू कैन कवर ऑल दी सिलेबस दैट विल बी आस्क्ड इन सीबीएसई फॉर बायो एज वेल एज नीट फॉर बायोलॉजी पेपर। थैंक यू वेरी मच।